हेलो बेटा आप जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते जा रहे हैं आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है एकदम से एक बार मेरे को कंफर्म कर दीजिए फिर हम अपना टॉपिक आगे स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक आगे बढ़ा लेते हैं जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं एक बार मेरे को हेलो बेटा जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करते जा रहे हैं एक बार मेरे को कन्फर्म कर दीजिए क्या ऑडियो वीडियो आपको प्रॉपर आ रहा है अगर प्रॉपर है तो फिर हम जल्दी से इसे स्टार्ट कर लेते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अगेन सारे बच्चों गुड मॉर्निंग और अभी जो हम बात कर रहे थे हमने केस नंबर फोर डिस्कस किया था हमारे यहां पर शेयर इशूड एट प्रीमियम एंड अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट उसी केस को बच्चों हम आगे बढ़ा लेते हैं यहां कवर करते हैं कि इस केस में हमने क्या पढ़ा था तो एग्जाम्पल हमने नोट किया था एलिमिटेड इश्यू टेन थाउजेंड शेयर एट द रेट ऑफ फोर्टीन ईच फेस वैल्यू हमारा शेयर का रहेगा दस रुपए पर शेयर अमाउंट रिसीव्ड एज अंडर एप्लीकेशन फाइव रूपीज अलॉटमेंट फाइव रूपीज फर्स्ट ऑल फाइव रुपीज ऑल अमाउंट रिसीव ऑन टाइम जर्नलाइजर ट्रांजेक्शन तो इन ट्रांजेक्शन को अगर जनरलाइज करें तो हमने फर्स्ट एंट्री की बात आपसे की कि पैसा मिलेगा आपको दस हजार शेयर पर टेन थाउजेंड शेयर पर फाइव रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंगली जो अमाउंट मिलेगा फिफ्टी थाउजेंड आपका अमाउंट होगा और पैसा आपको मिल रहा है तो बैंक डेबिट किया आपने और शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया शेयर एप्लीकेशन एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है जो कि शेयर होल्डर्स की जगह पर आप इसे रिप्रेजेंट कर रहे हो साथ ही साथ दूसरी एंट्री हमने बनाई कि इस एप्लीकेशन के पैसे को अलॉटमेंट के इवेंट पर ड्यू कर दिया जाएगा एप्लीकेशन का पैसा जब अलॉटमेंट होगा तो इस पैसे को कंपनी अपना पैसा बोलना स्टार्ट कर देगी क्योंकि उससे पहले राइट नहीं है कंपनी इस पैसे को यूज कर सके तो इस पैसे को जो ट्रांसफर किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में वो अलॉटमेंट के इवेंट पर ट्रांसफर किया जाएगा और उस दौरान जो हम एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो टेम्प्रेरी अकाउंट ओपन कर रखा था उसे क्लोज करके खत्म कर देंगे और उसकी जगह पर हमारा अकाउंट आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट हमने इसे क्रेडिट कर देंगे इसके साथ साथ अलॉटमेंट की मनी को भी हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट के इवेंट पर और इस दौरान कॉल करेंगे ट की अमाउंट तो जो अलॉटमेंट का अमाउंट कॉल किया जाएगा वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम पचास हजार रुपए थाउजेंड रुपीज आप के तौर पर कॉल करना चाह रहे हो लेकिन इसमें से शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट रहेगा टेन थाउजेंड और जो प्रॉफिट वाला पोर्शन रहेगा क्योंकि हमने फोर रुपीज पर शेयर के प्रॉफिट पर ये शेयर कहीं ना कहीं इशू किए हैं और जो भी शेयर कैपिटल पर प्रॉफिट होता है हम सभी जानते हैं हमने काफी डिस्कस कर रखा है कि उस प्रॉफिट को हम बच्चों कहां ट्रांसफर करते हैं एक स्पेशल अकाउंट में जिसका नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तो शेयर अलॉटमेंट को हमने डेबिट किया शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया साथ ही साथ में जो प्रॉफिट का पोर्शन है उस प्रॉफिट के पोर्शन को ट्रांसफर कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जब यह पैसा मिलेगा बच्चों तो इस पैसे की जिस इस अमाउंट को जब हम रिसीव दिखाएंगे तो हमारा एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये एंट्रीज हमारा बनेगा और इन एंट्रीज को हमने यहां कवर करने का प्रयास किया इसके बाद हमने इतना यहां तक इस पोर्शन को कवर कर लिया था अगली एंट्री जो बनेगी फर्स्ट कॉल अमाउंट को ड्यू करने की एंट्री बनेगी फर्स्ट कॉल के पैसे को हम ड्यू करेंगे ड्यू करने का मतलब है अपने शेयर होल्डर्स के बैलेंस को डेबिट करेंगे अब शेयर होल्डर के बैलेंस को शेयर होल्डर्स के नाम से तो डेबिट नहीं कर सकते एक रिप्रेजेंटेटिव एक कॉमन टेम्परे अकाउंट ओपन करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट बेटा हम चाहें तो इस शेयर फर्स्ट कॉल की जगह पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं यहां लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू और ये फर्स्ट कॉल की मनी है कितना बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट कॉल फोर रुपीज पर शेयर है क्योंकि एप्लीकेशन फाइव रुपीज अलॉटमेंट फाइव रुपीज और फर्स्ट कॉल फोर रुपीज जो अलॉटमेंट में हमने कुछ ऐसा एज्यूम किया है कि वन रुपीज कैपिटल के लिए और फोर रुपीज प्रीमियम के लिए क्योंकि टोटल फोर्टीन रुपीज का यहां डिवाइडेशन दे रखा है और इशू प्राइस भी हमारा फोर्टीन रुपीज है तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमने प्रीमियम को हमेशा अलॉटमेंट पर एज्यूम करके चलते हैं तो यहां पर ये जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट रहेगा वो फोर रुपीज पर शेयर टेन थाउजेंड शेयर पर फोर्टी थाउजेंड रुपीज हम यहां पर क्या करने वाले अलॉटमेंट के लिए ड्यू करने वाले हैं और फोर्टी थाउजेंड रुपीज ही आपके अलॉटमेंट पर रिसीव होंगे 40, रुपीज ही आपके अलॉटमेंट पर रिसीव होंगे अगेन सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग अगेन सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग के साथ ही हम एक रिसीव की एंट्री बना लेते हैं और यहां पर रिसीव की एंट्री क्या बनेगी बच्चे बोल रहे हैं पैसा मिलेगा सर जब जब पैसा मिलता है तो आप कंपनी के केस में बैंक को डेबिट करते हो एक असेट्स का बैलेंस बढ़ रहा है असेट्स का बैलेंस बढ़ेगा तो उसे आप डेबिट करके उसे आप डेबिट करोगे और डेबिट कितने थाउजेंड से कर दोगे फोर्टी थाउजेंड से डेबिट कर दोगे लेकिन यहां पर क्रेडिट क्या किया जाएगा एक टेम्परेरी अकाउंट जो पैसा ड्यू करते टाइम पर आपने ओपन कर लिया था उसे क्लोज कर लिया जाएगा तो टेम्परेरी अकाउंट यहां पर हमने कौन सा ओपन किया था शेयर फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और इस फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम यहां क्लोज कर देंगे क्योंकि ये पहले डेबिट किया था ड्यू के टाइम पर अब क्रेडिट करके खत्म कर दिया अल्टीमेटली हमारा पैसा मिल चुका है बैंक अकाउंट डेबिट डेबिटर लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यही हमारी लास्ट कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव अब बच्चे बोल रहे हैं सर एक बात बताइए ये हमने फर्स्ट कॉल के नाम से अकाउंट ओपन कर लिया कहीं गलत तो नहीं हो गया इसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से ओपन कर लें तो कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा बेटा ये अकाउंट आपका जनरल में मेंटेन हो रहा है आप जनरल एंट्री बना रहे हो जनरल एंट्री के दौरान ड्यू के दौरान आपने सेयर फर्स्ट कॉल के नाम से ओपन किया और जनरल एंट्री में शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से क्लोज हो गया इसकी लेजर में पोस्टिंग होगी तो वहां शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बनेगा और वो फर्स्ट कॉल अकाउंट का बैलेंस दोनों साइड में टैली होगा वो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा टेम्परेरी अकाउंट है ओपन हुआ एंड क्लोज हो गया आप इसे शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से मेंटेन रखो या शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से मेंटेन रखो बात बराबर रहेगी वो क्लोज हो जाना है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अब बच्चे बोल रहे हैं सर जैसा कि आप करके दिखाते हो ईच एंड एवरी टाइम में कि आपने हमेशा बोला है कि शेयर कैपिटल की भी एक की एंट्री होती है नॉर्मल कैपिटल की भी एक की एंट्री होती है यहां पर प्रूव करके दिखाइए यहां पर प्रूव करके दिखाइए कि कैसे यह सब एक ही एंट्री है मैंने कहा बेटा कोई मुश्किल काम नहीं है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेब क्रेडिट हुआ और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बाद में डेबिट कर दिया गया कि दोनों आपस में क्लोज हो जाएंगे फाइनल एंट्री क्या रहा अगर हम बात करेंगे तो बैंक डेबिट फिफ्टी थाउजेंड और साथ ही साथ में यहां पर शेयर कैपिटल क्रेडिट कितना फिफ्टी थाउजेंड ये एक एंट्री रहा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये फर्स्ट टू एंट्री को कट करके हमने क्या एक एंट्री बनाया इनका जो कॉमन फिगर्स थे शेयर शेयर एप्लीकेशन कॉमन था और शेयर एप्लीकेशन डेबिट भी है क्रेडिट भी आपस में प्लस माइनस कट जाएंगे बचेगा क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एक सिंगल एंट्री बना दी अगले केस में चलते हैं बच्चों अगले केस में चलते हैं शेयर अलॉटमेंट हमारा डेबिट भी है फिफ्टी से शेयर अलॉटमेंट हमारा क्रेडिट भी है एग्जाम में काट के नहीं दिखाना ये जस्ट मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूं शेयर एप्लीकेशन हमारा डेबिट भी है और शेयर एप्लीकेशन हमारा क्रेडिट भी है सॉरी शेयर अलॉटमेंट हमारा डेबिट भी है शेयर अलॉटमेंट हमारा क्रेडिट भी है और एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं करना तो एंट्री क्या बनेगी फाइनली बैंक अकाउंट डेबिट यानी यहां बैंक को डेबिट किया जाएगा फिफ्टी थाउजेंड से और साथ ही साथ में शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा फिफ्टी थाउजेंड से और यहां एक आइटम और है एक अकाउंट और ओपन हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम को फोर्टी थाउजेंड से क्रेडिट किया जाएगा टोटल हमने एक सिंगल एंट्री यहां पर पास कर दी फर्दर नेक्स्ट एंट्री की बात करूं तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट यहां पर डेबिट है तो अगली एंट्री में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हमारा क्रेडिट है अगली एंट्री में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हमारा क्रेडिट है तो फाइनल यहां भी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री क्या बनेगी बैंक डेबिट का बैलेंस बचेगा बैंक डेबिट फिफ्ट फोर्टी थाउजेंड बैंक डेबिट फोर्टी थाउजेंड और साथ ही साथ में शेयर कैपिटल क्रेडिट फोर्टी थाउजेंड बेटा जो बैंक को हमने डेबिट किया फोर्टी थाउजेंड से क्रेडिट कर दिया फोर्टी थाउजेंड से सारी एंट्रीज का ट्रेंड देखो एक बार शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया फोर्टी थाउजेंड से एक बार शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया फिफ्टी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया टेन थाउजेंड से नहीं होगा ये टेन से होगा टोटल इसका क्या है फिफ्टी थाउजेंड एक बार शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया से और एक बार शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया फिफ्टी थाउजेंड से टोटल आप शेयर कैपिटल का यहां टोटल लगाइए तो टोटल आपका बैठेगा वन लाख रुपीज और साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया गया है अगेन फोर्टी थाउजेंड से यहां पर तो टोटल वन लाख फोर्टी थाउजेंड का आपको अमाउंट रिसीव हुआ और बैंक के साइड में भी फिफ्टी फिफ्टी वन लाख और साथ ही साथ फोर्टी लाख वन लाख वन लाख फोर्टी थाउजेंड तो ओवरऑल इन तीनों एंट्रीज को अगर हम कंबाइंड कर दें तो एंट्री हमारा बन रहा है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला वन लैखी थाउजेंड बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला वन लैख फोर्टी थाउजेंड और साथ ही साथ में क्रेडिट करेंगे टू शेयर शेयर कैपिटल कैपिटल जिसमें से के लिए कितना मिला वन लैख और यहां पर जो क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम और वो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी आपका कितना हो रहा है बच्चों फोर्टी तो टोटल अगर हम देख रहे हैं टोटल अगर हम देख रहे हैं इस एंट्री को हमने इस एंट्री को जो बनाया ये एंट्री कुछ कुछ ऐसे ही बन गई जैसे नॉर्मल कैपिटल नॉर्मल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री होती है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल तो, तो यहां बैंक कंपनीज का केस है तो यहां ट्रांजैक्शन बैंक से होंगे तो बेसिकली कैश की जगह पर हम बैंक लेकर के आ गए बैंक अकाउंट डेबिट और साथ ही साथ में कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल लेकर के आ गए नॉर्मल कैपिटल लगाई जाती है जब जब नॉर्मल कैपिटल लगाई जाती है तो इन दैट पर्टिकुलर केस वहां पर हम कोई कैपिटल को प्रीमियम पर इशू नहीं करते कैपिटल को एक्सेस अमाउंट पर इश्यू नहीं करते यहां पर हमने शेयर्स को सेल किया शेयर्स को इश्यू किया और इश्यू पर हमने प्रॉफिट कमा लिया बींग अ कंपनी तो नॉर्मल कैपिटल के केस में ऐसा कोई प्रॉफिट का कंसेप्ट नहीं आता लेकिन यहां प्रॉफिट का कंसेप्ट आया तो ऑल प्रॉफिट आर क्रेडिटेड हम ये पहले से ही जानते हैं लेकिन जितना प्रॉफिट अर्न किया यहां पर उसे क्रेडिट कर दिया और एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया ये स्पेशली हम बात करते रहे कि जब जब शेयर्स पर प्रॉफिट होगा तो कंपनी एक्ट में आपका लिखा है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेके जा सकते उसे नॉर्मल रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं बोल सकते उसको हम स्पेशल प्रॉफिट बोल करके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो बच्चों हमने ये जो एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एक ऐसे ही कुछ कुछ ऐसे एंट्री है जैसे हम नॉर्मल कैपिटल की एंट्री बनाते हैं बट हमने यहां पर एक स्पेशल थिंग्स और किया क्योंकि नॉर्मल केस में तो वहां कुछ प्रॉफिट्स ऐसे जनरेट होते नहीं है बट यहां पर प्रॉफिट जनरेट हुए तो उन प्रॉफिट्स को भी हमने एक स्पेशल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ तो बेटा हमने यहां पर जो बात करी बैंक टू शेयर कैपिटल ये एंट्री अपने आप में रिप्रेजेंट कर रही है कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल भी कोई टफ नहीं है बट जैसे जैसे प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट हमारी होती है वैसे वैसे हम एंट्रीज को घुमाना स्टार्ट कर देते हैं टर्न करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन कंक्लूजन वही निकल के आ रहा है अगर हम लमसम में भी शेयर इश्यू करते तो यही एंट्री बनती कि पैसा आता और उस पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते बट अगर वो पैसा अगर वही कैपिटल प्रीमियम पर इशू होती तो उसे प्रीमियम वाले पोर्शन को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देते तो एंट्री चाहे इंस्टॉलमेंट में केस चाहे इंस्टॉलमेंट का हो या केस या लमसम का हो या केस नॉर्मल अकाउंटिंग का हो या केस हमारा नॉन कॉपरेट एंटिटीज का हो कैपिटल लगाने की एंट्री में कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं आना चाहिए पैसा आएगा जो फंड आएगा उसे डेबिट करोगे क्योंकि वो आपकी एसेट्स है और ऑन द अदर हैंड आपके बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है और लाइबिलिटी को हम क्रेडिट कर देते हैं आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सर हाफ प्रीमियम अलॉटमेंट में और हाफ प्रीमियम फर्स्ट कॉल में कैलकुलेट कर सकते हैं क्या बेटा मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया एक पॉइंट आपको बताया था शायद आपने उस पॉइंट पर ध्यान दिया या नहीं दिया अभी दोबारा ध्यान से सुनो मैंने बोला था मैंने बोला था कि शेयर एप्लीकेशन का पैसा भी अलॉटमेंट पर ड्यू होता है और अलॉटमेंट का पैसा भी अलॉटमेंट पर ही ड्यू होता है बच्चे कह रहे हैं कैसे बताओ सर कैसे यकीन नहीं होता कि शेयर एप्लीकेशन का पैसा आपसे पहली बार सुन रहे हम तो यही सुनते आ रहे हैं शेयर एप्लीकेशन को रिसीव करो, करो ड्यू करो अलॉटमेंट को ड्यू करो रिसीव करो ये अलॉटमेंट पर ड्यू होता है इस बात का क्या मतलब है इस बात का मतलब है कि अलॉटमेंट एक इवेंट होती है जहां पर शेयर अलॉट होने हैं या नहीं होने ये डिसाइड किया जाता है कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स को फोकस करते हुए कुछ मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट को फोकस करते हुए कि अलॉटमेंट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और कर पाएंगे तो किस किस को करेंगे जब आप अलॉटमेंट करोगे तभी तो आप इस एप्लीकेशन के पैसे को अपना पैसा बोल सकते हो अदरवाइज ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा और यही एक रीजन था कि पहली एंट्री बनते ही हमने इस पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया हमने इस पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने का राइट ही तब आएगा जब हम अलॉटमेंट कर रहे होंगे तो जब राइट अलॉटमेंट करते टाइम आएगा तो ड्यू भी तो अलॉटमेंट के टाइम पर हो रहा है और जब जब हम शेयर अलॉट कर रहे होते हैं तब तब हम अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर एक पत्र भेज देते हैं एक इंफॉर्मेशन भेज देते हैं कि भाई साहब अब आपके नाम में शेयर अलॉट किए जा चुके हैं अलॉटमेंट का पैसा भी भिजवा दो मतलब अलॉटमेंट की अमाउंट को भी सेंड कर दो तो एप्लीकेशन के पैसे को ड्यू करना जो पहले से मिल चुका है और अलॉटमेंट के पैसे को भी ड्यू करना जो मिलना बाकी है अब जो आपने कलेक्ट करना है दोनों इवेंट एक साथ होते हैं और इसके लिए मैंने आपसे बोला भी था कि आप चाहो तो एक एंट्री एक सिंगल एंट्री बना सकते हो एक साइड में शेयर एप्लीकेशन आपको डेबिट करना पड़ेगा और उसी साइड में शेयर अलॉटमेंट अमाउंट को भी डेबिट कर लो दोनों अमाउंट को एक साथ डेबिट कर लो शेयर कैपिटल जो कि यहां पचास हजार और जो दस हजार क्रेडिट कर रहे हैं दोनों को कंबाइंडली मिलाकर के साठ हजार क्रेडिट कर दो और सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस में चालीस हजार डाल सकते हो ऐसे करके एक कंबाइंड एंट्री बना सकते हो दोनों एंट्रीज को आप अलग अलग भी बना सकते हो आपका आपका कंफ्यूजन यह है कि सर ये चालीस हजार वाली अमाउंट ये चालीस हजार वाली अमाउंट को बीस हजार इधर दिखा दो बीस हजार इधर दिखा दो तो क्या प्रॉब्लम है मैंने कहा बेटा प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है सिंपल सा फंडामेंटल समझो ये दोनों एंट्री एक साथ ही बन रही है ये काम एक साथ ही हो रहा है अलॉटमेंट के इवेंट पर ही हो रहा है और जब अलॉटमेंट के इवेंट पर हो रहा है तो अलॉटमेंट के इवेंट पर हमारी बस इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो प्रॉफिट है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में डालें अब 50 अच्छा बीस हजार इधर लिखेंगे बीस हजार इधर लिखेंगे तो एंट्री पढ़ने वाले को ज्यादा कंफ्यूजन होगा और हम ठहरे एक अच्छे अकाउंटेंट एक बेहतर अकाउंटेंट एक टॉप क्लास अकाउंटेंट टॉप क्लास अकाउंटिंग अकाउंटेंट का ये फंडामेंटल होता है कि कंफ्यूज कम करे क्लियरिटी ज्यादा प्रोवाइड करे गलत तो तब भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये एंट्री दोनों एक ही टाइम पर बनती है अलॉटमेंट के इवेंट पर ही बनती है आप बीस हजार इधर डाल दो और बीस हजार इधर डाल दो दुनिया की कोई ताकत आपके इस फंडामेंटल को कट नहीं कर सकती कि आपने कुछ गलत कर दिया क्योंकि तो सिंपल सी बात है सिक्योरिटी प्रीमियम को बीस हजार यहां क्रेडिट करोगे बीस हजार इधर क्रेडिट करोगे तो भी तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चालीस हजार का ही बैलेंस जाएगा और ऐसा भी नहीं कि आपने उस प्रीमियम को एप्लीकेशन के टाइम पर ही क्रेडिट कर दिया हो एप्लीकेशन के टाइम पर क्रेडिट नहीं किया आपने उस बैलेंस को एप्लीकेशन के टाइम पर भी क्रेडिट नहीं किया आप अकाउंटिंग एंट्री बना रहे हो अलॉटमेंट पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम को अपना प्रॉफिट बोलते हो अलॉटमेंट के इवेंट पर ही आप ये एंट्री बना रहे हो अलॉटमेंट के इवेंट पर ही आप ये एंट्री बना रहे हो तो आपका उस पैसे को हाफ हाफ कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के चश्मे फिक्स होते हैं वो एक ही चश्मे से सारी चीजों को देखते हैं आपने कुछ नया किया दूसरे को हजम नहीं हुआ ये क्या कर रहा है बच्चा ये तो एप्लीकेशन की एंट्री के साथ इसने 50 परसेंट क्रेडिट कर दिया तो मे बी पॉसिबल यहां तो आपका एमसीक्यू पेपर होगा यहां तो आपके क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे जो आपने चार में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर जी एकदम सही जवाब देंगे लेकिन कहीं पर किसी और एग्जामिनेशन में आप ऐसा करके आ गए और उन्होंने कभी मतलब जो उनके माइंड का जो स्ट्रक्चर रहा हो हमेशा अगर शेयर अलॉटमेंट के साथ रहा है तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स कुछ कम मिल सकते हैं और आपके मार्क्स अफेक्ट हो सकते हैं तो काम ऐसा करो जो दूसरों को भी अच्छा लगे देखने में भी अच्छा लगे इफेक्ट भी अच्छे हों एकदम राइटली हो एक और मैंने जो आपको सोल्यूशन दिया इस सोल्यूशन में कोई कमी नहीं है लॉ की सारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है मैंने आपसे बोला एप्लीकेशन का पैसा मिला और हमने एक टेम्पररी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया क्योंकि अभी हमारा राइट right ही नहीं है उसे अपना पैसा बोलने का जब अलॉटमेंट करेंगे तब तो राइट आएगा जब राइट आएगा तो उसे एक परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में और उसी टाइम पर पैसे को ड्यू भी कर दिया और शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया मैं आपसे अगेन आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं आपको कुछ नया कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको वही सारी चीजें पढ़ा रहा हूं जो आप इलेवन अकाउंट इलेवन ट्वेल्थ लेवल पर पढ़ते आए हो जो बच्चे फाउंडेशन में वही सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आज हम इन चीजों को रटेंगे नहीं कि एप्लीकेशन ड्यू एप्लीकेशन रिसीव ड्यू की ड्यू की एंट्री रिसीव की एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री आज हम लॉजिकली इन चीजों को बना रहे हैं अकाउंटिंग के जो नॉर्म्स होते हैं अकाउंटिंग के जो गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के जो डायमंड रूल्स होते हैं उन rules के fundamental के हम बना रहे हैं कोई भी चीज़ रटने वाली नहीं तो आप समझो कहानी ही है और एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए लॉ जितना जरूरी है उतना ही जरूरी अकाउंट्स भी है क्योंकि जिस कंसर्न में हम काम करेंगे वहां पर अकाउंट के लिए भी किसी दूसरे को नहीं बुलाएंगे आई थिंक आपकी मलिक आपकी बेटा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी आपको समझ में आ गया होगा एक बार समझ में आ गया तो फटाफट से यस टाइप कर दें और बाकी सारे बच्चों को भी ये समझ में आ गया। तो जल्दी से यस टाइप करें फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जल्दी से सारे बच्चे एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें किसी कोई डाउट हो तो डाउट टाइप करें अदरवाइज हम यस टाइप करते हैं फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ अगले एग्जाम्पल की तरफ सारे बच्चे जाग रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों चलो जी आंसर आना स्टार्ट हो गया इसका मतलब सबको सब समझ में आ रहा है नेक्स्ट <coughs> एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे फटाफट से सारे बच्चे एग्जाम्पल नोट करिए मोहन लिमिटेड इश्यू वन लैक शेयर एट द रेट ऑफ रुपीस सिक्सटीन इंच एट द रेट ऑफ रुपीस सिक्सटीन इंच फेस वैल्यू ऑफ शेयर रुपीस टेन ईच फेस वैल्यू ऑफ शेयर रुपीस टेन इंच साथ ही साथ में हम बात करें अमाउंट रिसीव्ड एज अंडर एप्लीकेशन फाइव रुपीस, अलॉटमेंट एट रुपीस फर्स्ट कॉल थ्री रुपीज ऑल अमाउंट रिसीवड ऑन टाइम ऑन टाइम सारा का सारा अमाउंट हमारे टाइम पर रिसीव हो गया प्रिपेयर जनरल एंट्री एंड ऑल्सो प्रिपेयर शबुक बेटा ये सोल्यूशन मैं आपको नहीं कराऊंगा मैंने आपको सारे फंडामेंटल बता दिए फटाफट से आप सारे बच्चे ये करेंगे और ये सोल्यूशन करने के बाद अपनी नोटबुक का स्क्रीनशॉट अपनी नोटबुक का फोटो फटाफट से एप्लीकेशन पर सेंड कर दीजिए मैं वेट कर रहा हूं एप्लीकेशन पर जो आपका ग्रुप है उसमें सेव शेयर कर दीजिए फटाफट से आपने क्या क्या सोल्यूशन किया जिससे मैं देख पाऊं कि कौन सा बच्चा गलती कर रहा है कौन सा बच्चा गलती नहीं कर रहा है मैं वेट कर रहा हूं आपके सोल्यूशन का मैं जब तक सॉल्यूशन नहीं करूंगा या मैं सॉल्यूशन करूंगा भी तो आधा अधूरा करूंगा मैं सारी फैक्ट्स वहां पर नोट डाउन नहीं करूंगा मैं अगर सॉल्यूशन करूंगा भी तो कुछ आधा अधूरा करूंगा आपका आप अपना सॉल्यूशन फटाफट से करिए और मेरे को एप्लीकेशन पर सेंड कीजिए कौन बच्चा मेरे को जल्दी से सॉल्यूशन करके सेंड करता है मैं आपके सॉल्यूशन का वेट कर रहा हूं Prepare journal entry and also prepare cash book. Prepare journal entry and also prepare cash book. प्रिपेयर जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो प्रिपेयर कैस बुक बेटा मेरे सॉल्यूशन को कोई कॉपी ना करे मैं अपने सॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं मुझे आप अपना सॉल्यूशन दें सारे बच्चे मैंने ऐसे ही शुरुआत की है बस मैं अपनी शुरुआत के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं बाद में यह मत कहना आपने किया था इसलिए हमने ऐसा कर दिया सर मुझे आपका आंसर चाहिए क्योंकि मैं कुछ चीजें आपको बता चुका हूं मैंने क्वेश्चन की शुरुआत कर जरूर दी है अब इससे आगे मैं नहीं करूंगा इससे आगे तभी करूंगा जब आपका सॉल्यूशन मेरे को आ जाएगा जल्दी से फटाफट से सारे बच्चे मुझे सॉल्यूशन भेजिए एक सॉल्यूशन मेरे पास आ चुका है बहुत बढ़िया बेटा और एक दूसरे का सॉल्यूशन देखना मत ओके गुड एक सॉल्यूशन मेरे पास बच्चों आ चुका है अगले सॉल्यूशन का इंतजार है वेरी गुड बेटा सही किया आपने और बाकी के बच्चे भी अपना सॉल्यूशन सेंड करिए निकिता को मैंने कंफ्यूज करने का प्रयास किया लेकिन निकिता का सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट रहा और बच्चे बाकी रेस्ट स्टूडेंट्स अपना सॉल्यूशन सेंड करें प्रिया का सॉल्यूशन भी मेरे पास आ चुका है प्रिया का सॉल्यूशन भी एकदम परफेक्ट है प्रिया का सॉल्यूशन भी एकदम परफेक्ट है आज तो ये बच्चे गड़बड़ कर ही नहीं रहे क्या बात है मैंने तो आज गड़बड़ करके भी दिखाया इनको फिर भी नहीं गड़बड़ कर रहे रिया का सॉल्यूशन आ चुका है इनका भी सॉल्यूशन ठीक है आज तो आप में से कोई गलती कर ही नहीं रहा क्या हो गया क्या खा क्या नाश्ते में वालों ने क्या खिलाया बच्चे कह रहे हैं सर ऐसी मत मतलब हमें अंडर एस्टिमेट किया करो हम कभी कभी जाल में फंसते हैं हर बार नहीं जाल में फंसते देखता हूं कोई ऐसा बच्चा जिसने कुछ गलत किया हो नहीं नहीं आपने भी ठीक किया है प्रिया का सॉल्यूशन रिया का सॉल्यूशन अंशिका का सॉल्यूशन यहां तक करेक्ट आ रहे हैं मनीषा का सॉल्यूशन भी करेक्ट है बच्चे बोल रहे हैं आज सर आपका ही सॉल्यूशन गलत हो सकता है हमारा नहीं हो सकता मनीषा का सॉल्यूशन भी करेक्ट मुबासरा का सॉल्यूशन भी करेक्ट चलो मुबासरा आपने आई थिंक मेरे को कॉपी किया था मुझे लगता है जो मैंने फर्स्ट एंट्री बनाया उसका आप पर इम्पैक्ट पड़ा है आपने वो फर्स्ट वाली एंट्री बनाई है और फिर काटी है इसका मतलब आपने मेरी चीटिंग की है बच्ची बोल रही नहीं नहीं सर वो ऐसे ही हो गया ऐसे थोड़ी ना हम आपकी चीटिंग करेंगे कुछ का सॉल्यूशन भी परफेक्ट है निकिता टू निकिता टू का सॉल्यूशन भी एकदम ठीक आज तो सारे बच्चे कोई गलत वाला बच्चा मिल ही नहीं रहे चलो सो ऑन डिंकी का सॉल्यूशन भी करेक्ट है बच्चे कह रहे हैं सर आज आप हमारा कॉपी करके हमको सेंड कर दो ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी कोई बात नहीं बेटा चलो तो देखो मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास किया लेकिन आप बच्चे आपके कंसेप्ट तो बड़े स्ट्रांग निकले आपने कहा सर जहां जहां कैश बुक बनता है वहां जनरल में हम कैश या बैंक से रिलेटेड एंट्रीज पास नहीं करते उस दिन हम बैंक उस दिन हम बैंक से रिलेटेड कोई एंट्री पास ही नहीं करते दैट मीन्स हम सभी जानते हैं ये सर आपने सॉल्यूशन गलत किया है ये सॉल्यूशन नहीं होगा थोड़ा सा मैंने इसलिए किया था क्या पता आप में से कोई बच्चा मेरे को देख रहा होगा सर कुछ तो एंट्री बनाइए आज आप जैसे ही एंट्री बनाएंगे वैसे ही हम फटाफट से कॉपी कर लेंगे और तो बच्चे कह रहे हैं सर उस दिन अच्छी डोज मिल गई थी डोज तो आपको मैंने फर्स्ट डे ही दे दी थी, थी कि जब जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं या तो हम कैश बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे या कैश बुक का मतलब किसी भी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे Osionfish. या फिर हम जर्नल में या फिर हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका मतलब उसकी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो, hmm. तो सब्सिडरी बुक्स में अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया तो फिर हम जर्नल में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो जब आपने बोला कि सब्सिडरी बुक्स बनाओ मतलब कैश बुक बनाओ तो फिर हम बैंक से रिलेटेड कोई भी एंट्री जर्नल में पास आउट नहीं करने वाले चलो अच्छा आपने पहले ही लिख लिया था कोई बात नहीं वो तो मैं बेटा जोक सा पार्ट मैं तो मजाक कर रहा था मैं कहा सीरियस ले रहा था बट बीच बीच में मैं बोलता रहा आपको मुझे लगता है हिंट मिल गया आपने मेरी हिंट का फायदा उठा करके आज सॉल्यूशन सही किए हैं अदरवाइज आप गड़बड़ कर देते मैंने आपको बड़े सारे हिंट दिए थे कि आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा मेरे सॉल्यूशन का इंतजार मत करना तो बच्चे बच्चों ने सोचा कुछ दाल में काला है और जरा ध्यान से सॉल्यूशन को देखा जाए तो बेटा ये सारी चीजें आपको एग्जाम में भी अलर्टनेस तरीके से प्रॉपरली अलर्टनेस रखनी है एग्जामिनेशन में तभी आप कई बार गड़बड़ करने से बच पाएंगे सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं जनरल एंट्री हमने यहां प्रिपेयर करने का प्रयास किया तो हमने बोला कि अगर हम जनरल एंट्री बनाएंगे और कैश बुक बनाने के लिए बोला गया तो कैश बुक में जब जो जो एंट्री जाती है वो जनरल में फिर नहीं जाती तो इसका मतलब अगर जनरल में आपने कैश से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड एंट्री बना दी तो इन दैट पर्टिकुलर केस डुप्लीके हो जाएगी एक एंट्री दो बार आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी तो वो आप नहीं कर सकते ऐसी गलती आप नहीं कर सकते क्योंकि बेसिक फंडामेंटल आपने बहुत अच्छे से सीख रखे तो या तो एंट्री जनरल में बनती है या कैश बुक में बनती है या हम सिंपली कहें लार्जली इसे ब्रॉडली से कवर करें या तो एंट्री जनरल में बनेगी या याब्सिडरी बुक्स में बनेगी एक एंट्री दो जगह नहीं बन सकती दो जगह बनेगी तो डुप्लीकेसी हो जाएगी चलो फटाफट से सॉल्यूशन में आप लोगों का सॉल्यूशन जो आपने मुझे भेजा मैं कॉपी कर देता हूं और सॉल्यूशन यहां पर क्या होगा बैंक से रिलेटेड एंट्री तो बनेगी नहीं सोल्यूशन की एक लाख रुपए आपका एप्लीकेशन का अमाउंट डायरेक्ट ड्यू होगा तो शेयर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बच्चों यहां पर ये एक लाख शेयर है पांच रुपए से एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है एक लाख शेयर पर पांच रुपए से पांच लाख रुपए आपके डेबिट हो जाएंगे बींग एप्लीकेशन बींग एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट यानी अलॉटमेंट के इवेंट पर ये एप्लीकेशन का पैसा ड्यू हो जाएगा सेम वे हम शेयर अलॉटमेंट के पैसे को भी ड्यू करेंगे क्योंकि अलॉटमेंट करते ही अलॉटमेंट का पैसा भी डिमांड कर लेंगे तो उसे ड्यू करना बोला जाएगा और अलॉटमेंट हमारा आठ रूपए का है और आठ रूपये का अलॉटमेंट है तो आठ लाख रूपये वन लैख इंटू एट एट लाख रूपीज हम शेयर होल्डर से डिमांड कर लेंगे जो एट लाख रुपीज हम डिमांड करेंगे बच्चों उसमें जो पैसा जाएगा वो हमारा शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा ये हमें देखने वाली बात रहेगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम की अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी प्रीमियम की अगर मात, बात करूं तो कितना अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा बीइंग बीइंग अलॉटमेंट मनी अलॉटमेंट मनी ड्यू शॉर्ट में नरेशन मेंशन कर देता हूं क्योंकि आपका सॉल्यूशन हो गया अब आपको इंतजार नहीं हो रहा होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू तो अलॉटमेंट के आठ रूपए और प्रीमियम हमारा सिक्स रुपीज का है तो हम ये एजूम करके चलेंगे ये टू प्लस सिक्स का केस हो गया दो रुपए कैपिटल के छह रुपए प्रीमियम के सिक्स रुपीज का प्रीमियम है तो यहां पर सिक्सटी सिक्स लाख रुपीज का प्रीमियम में डाल दीजिए सिक्स लाख रुपीज प्रीमियम में ट्रांसफर कर दो टू लाख रुपीज कैपिटल में ट्रांसफर कर दो अगेन नेक्स्ट एंट्री जो रहेगी बच्चों नेक्स्ट एंट्री हमारी रहेगी बच्चों फर्स्ट कॉल के पैसे को ड्यू करने की तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल मनी ड्यू और ये फर्स्ट कॉल का मनी जो ड्यू होगा वो कितने से ड्यू होगा सोलह रुपए का हमने एटलीस्ट इशू इश्यू किया है और फर्स्ट कॉल हमारे जिसमें थ्री रुपीस का है तो तीन रुपए से हम इसे थ्री इंटू वन लैक इज टू थ्री लैख से हम इसे डेबिट करके और थ्री लैख से ही हम इसे क्रेडिट कर देंगे तो इस तरीके से आपने इस तरीके से आपने देखा इस तरीके से आपने देखा कि हमने सारी की सारी सिर्फ ड्यू की एंट्री बनाई है हमने कोई भी एंट्री यहाँ अमाउंट को रिसीव करने से कनेक्टेड नहीं बनाई रिसीव करने से कनेक्टेड जो एंट्री नहीं बनाई वो सारी की सारी एंट्री आपके कैश बुक में पास हो जाएंगी कैश बुक एक सब्सिडरी बुक्स होता है और कैश बुक एक लेजर का भी काम करता है तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बेसिक फंडामेंटल में लेकिन अभी हम यहाँ पर एक कैश बुक प्रिपेयर कर लेते हैं कैश बुक का फुल फॉर्मेट ना बना करके हम चार कॉलम से ही काम चला लेते हैं क्योंकि डेट वगैरह हमारे पास है नहीं बहुत लंबे जोड़े लेजर हम बना रहे रहे फंडामेंटल हमारे को क्लियर होने चाहिए कैश बुक में जो पैसा मिलेगा आपको शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पांच लाख रुपए कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा देगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अकाउंट पांच लाख रुपए टू शेयर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट पर जो पैसा मिल रहा है पैसा मिलेगा वो आपका मिलेगा आठ लाख रुपए और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और फर्स्ट कॉल पर मिलेगा थ्री लाख रुपीज यहां पर इसका जो बैलेंस रहेगा वो रहेगा सिक्सटीन लाख बाय बैलेंस सी डी सिक्सटीन लैख तो इस तरीके से बच्चों हम इसकी कैशबुक भी प्रिपेयर कर लेंगे जो कि आप सार, सारे बच्चों ने इसका सॉल्यूशन कर लिया है ऑलरेडी तो बेटा हमने यहां पर देखा आपने किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया और सारे बच्चों का सॉल्यूशन मोरलेस ठीक था सारे बच्चों का सॉल्यूशन एकदम करेक्ट था तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा ये देख करके आप चीजों को नोटिस करते हो अगर एक बार कोई गलती कर देते हो तो बार बार फिर उसे रिपीट नहीं करते हो और ये एक अच्छा आ, साइन है कि आ, आपकी सक्सेस के रिगार्ड में आप बेटर सक्सेस उधर हो सकते हो चलो बेटा तो मोस्टली बाद में प्रीति अंजलि सारे बच्चों का सोल्यूशन आ गया है तो इन लोगों के सोल्यूशन भी मैंने यहां पर देखा एकदम करेक्ट है आपने तो सॉल्यूशन बेटा मोबाइल से बना करके भेजा है आपने सॉल्यूशन इतना ज्यादा मेहनत क्यों करते हो पेपर पर बनाया करो और सीधा फोटो खींच करके भेज दिया करो लेकिन यह क्या किया है बेटा आपने आपने ये तो गड़बड़ कर दिया ये बैंक से रिलेटेड एंट्री में अभी आपकी तारीफ कर ही रहा था आपने इतनी मेहनत से सॉल्यूशन बनाया कंप्यूटराइज फॉर्मेट में बना करके भेजा है चलो सारे बच्चे पेपर पर लिख करके सॉल्यूशन बना करके भेज दिया करो सारे बच्चे पेपर पर मेंशन करो और पेपर पर उसका फोटो खींच करके उसे फॉरवर्ड कर दिया करो एप्लीकेशन में अटैचमेंट का ऑप्शन आता है इतना ज्यादा हार्डवर्क मत किया करो कि आप उसे पहले वर्ड में खोल करके कुछ आप टाइप कर रहे हैं उसके बाद आप बना करके भेज रहे हैं चलो जी नेक्स्ट आस्पेक्ट ईसा को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आप क्या गलती कर रहे थे चलो जी अगले मुद्दे पर चलते हैं बेटा मैंने यहां पर आपको शेयर को अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम पर जब इशू करते हैं तो जनरल एंट्री किस तरीके से पास होंगी केस था हमारा इंस्टॉलमेंट का केस बना के चल रहे थे हमारा जो केस है अभी केस हमारा था शेयर इश्यूड एट प्रीमियम एंड अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट शेयर इशूड एट प्रीमियम एंड अमाउंट रिसीव इन इंस्टॉलमेंट अब तक मैंने दो केस आपको कि शेयर पार पर इशू किया और अमाउंट हमने जो रिसीव किया वो इंस्टॉलमेंट में रिसीव किया हमने शेयर प्रीमियम पर इशू किया और अमाउंट रिसीव किया हमने इंस्टॉलमेंट में रिसीव किया और अब तक किसी भी टाइप का कोई डिफॉल्ट नहीं था अब जो अगला केस बनाएंगे हम हमारा केस नंबर रहेगा आई थिंक फाइव केस नंबर फाइव केस नंबर फाइव केस नंबर फाइव हम यहां कवर करके चलेंगे और केस नंबर फाइव में हम यहां एंट्री बनाएंगे और जो कौन सा केस कवर करके चलेंगे अब तक हमारे सारे शेयर होल्डर बड़े प्यारे प्यारे थे बड़े अच्छे अच्छे थे कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं था जो किसी भी टाइप का डिफॉल्ट कर रहा हो लेकिन केस नंबर फाइव में हम कुछ शेयर होल्डर से डिफॉल्ट करवाएंगे और डिफॉल्ट तो नॉर्मल केस में भी हो सकता है और डिफॉल्ट हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में भी हो सकता है शेयर होल्डर हमारा डिफॉल्ट करेगा हम शेयर होल्डर से नाराज हो जाएंगे उसके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे और देन आफ्टर फॉरफिट करने के बाद शेयर्स को रीइशू किया जाएगा अब हम डिफॉल्ट क्रिएट करवाएंगे क्योंकि अलॉटमेंट का केस हमने किया प्रीमियम का केस हमने किया दोनों केस करके देखें लेकिन इसी केस में आगे बढ़ते हैं अगर डिफॉल्ट किया जाएगा तो क्या होगा और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और अगर शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया है तो फिर फिर उसके शेयर्स को फॉरफिट कैसे किया जाएगा और फॉरफिट कर रहे हैं तो फॉरफिट करने के बाद रीइश्यू कैसे किया जाएगा तो केस नंबर फाइव नोट डाउन करें शेयर इश्यू इश्यू इन इंस्टॉलमेंट क्योंकि आप सभी जानते हो अगर शेयर आपका लमसम में इश्यू किया गया है तो वहां डिफॉल्ट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते क्योंकि पैसा आपको एडवांस में मिल जाता है शेयर इश्यू इन इंस्टॉलमेंट शेयर इश्यू इन इंस्टॉलमेंट एंड And at the time of payment of installment, some shareholders. होल्डर्स मेक डिफॉल्ट केस हमारा है कि हमारा अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट में रिसीव होता है और एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट यानी दैट मीन एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट जब आपको इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने की बारी आती है तो सम शेयर होल्डर्स मेक डिफॉल्ट कुछ शेयर होल्डर्स डिफॉल्ट कर देते हैं और इन दैट पर्टिकुलर केस क्या क्या सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं उनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू कवर करने का प्रयास करेंगे फटाफट से एक एग्जाम्पल नोट करो अब डिफॉल्ट होगा तो अलग अलग केसेस में होगा कई बार प्रीमियम का केस होगा कई बार पार का केस होगा कई बार आपका डिफॉल्ट हो जाने के बाद कुछ लेट पेमेंट कर दिया होगा तो कई बार डिफॉल्ट हो जाने के बाद पेमेंट किया ही नहीं हमने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया तो आज मैं एक बेसिक सा केस लेके चलूंगा फिर उस केस में और आगे प्रॉब्लम्स बढ़ाएंगे और उस केस को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाएंगे एग्जाम्पल नोट करें आज का जो केस होगा बड़ा आसान सा बेसिक सा केस होगा फटाफट से सारे बच्चे नोट करेंगे एग्जाम्पल सीता लिमिटेड इश्यू शेयर As under one leg, years at the rate of ten each installment application. फाइव रुपीज अलॉटमेंट थ्री रुपीज फर्स्ट कॉल टू रुपीज अगर इसकी बात करें सीटा लिमिटेड ने जो शेयर इश्यू करें एक लाख शेयर एट दी रेट ऑफ रुपीज टेन इंच फेस वैल्यू ऑफ शेयर एट दी रेट ऑफ रुपीज टेन इंच all shareholders all shareholders paid on time except except mr rohit who did not pay डिड नॉट पे हु नॉट पे अलॉटमेंट ये इधर से नोट कर लो बेटा इसे अलॉटमेंट ऑन वार्ड्स ऑन टू थाउजेंड शेयर्स सारे पर्सन जो थे उन्होंने टाइमली पेमेंट कर दिया लेकिन मिस्टर रोहित जो थे मिस्टर रोहित हु डिड नॉट पे अलॉटमेंट ऑन ऑन टू थाउजेंड शेयर्स उन्होंने दो हजार शेयर्स पर अलॉटमेंट के बाद से पेमेंट नहीं किया बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अलॉटमेंट ऑन अगर पेमेंट नहीं किया इसका मतलब है ना तो अलॉटमेंट पे किया ना ही फर्स्ट कॉल पे किया तो आपने उसको शेयर अलॉट ही क्यों कर दिए मैंने कहा बेटा अलॉटमेंट पहले हो जाता है अलॉटमेंट होने के बाद ही अलॉटमेंट की कॉल की जाती है तो नहीं पेमेंट किया फिर अलॉटमेंट की कॉल का मैं क्या कर सकता हूं अब जिसको अलॉटमेंट हो गया अगर वो अलॉटमेंट का कॉल पे नहीं कर रहा है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता तो अलॉटमेंट ऑन वर्ड्स का मतलब ना तो अलॉटमेंट पे किया ना ही फर्स्ट कॉल पे किया डिफॉल्ट हो गया डिफॉल्ट हो गया यहां पर और साथ ही साथ में मैंशन कर लेते हैं थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट एंड हिज सेयर्स हिज सेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल और उसके फर्स्ट कॉल के बाद सेयर हमने फॉरफिट कर लियो एंड हिज सेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल बेटा सारे बच्चों को अगर क्वेश्चन नोट हो गया है तो जल्दी से मेरे को बताइए सारे बच्चों को अगर क्वेश्चन नोट हो गया तो जल्दी से मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं सारे बच्चों का क्वेश्चन अगर नोट हो गया तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस टाइप करें मैं आगे बढ़ू फिर आगे आपको सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मैंने आपको एक सिंगल एंट्री मैं आपको शेयर कैपिटल मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि आप शेयर कैपिटल की सारी अकाउंटिंग हम सिंगल एंट्री में करेंगे एक सिंगल एंट्री के थ्रू ही कवर कर लेंगे चाहे जितनी भी एंट्री बनाए घुमा फिरा करके उसकी एक ही एंट्री मॉडिफाइड कर देंगे लास्ट में प्रोसीजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमको एंट्री ज्यादा जरूर बनानी पड़ती है लेकिन लास्टली क्लोज करके इफेक्ट उसका बहुत जीरो हो जाता है इफेक्ट बहुत नलीफाइड हो जाता है एकदम से जीरो और आप अभी का जो केस है मैं आपको इस केस को बैलेंस शीट में डाल करके ही बताऊंगा इस केस को बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करके ही बताऊंगा कि बैलेंस शीट पर इसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ता रहेगा चलो बेटा बच्चे कह रहे हैं सर नोट हो गया चलो आगे बढ़िए आगे कराइए आई थिंक सारे बच्चों का नोट हो गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं सीता लिमिटेड ने जो सीता लिमिटेड ने जो शेयर इश्यू किए उसकी अकाउंटिंग की हम बात इधर कर लेते हैं चलो जी जनरल एंट्री पास करते हैं जनरल एंट्री पास करते हैं और मैं आपको साथ ही साथ में क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ही सहज तरीके से बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझने के लिए एक बैलेंस शीट भी इधर बना लेता हूं यह बैलेंस शीट में कोई फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूं प्रॉपरली लेकिन क्योंकि मुझे हर एक ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट आपको दिखाना है तो हर एक ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट दिखाना है इस बैलेंस शीट में बहुत सारा काटपीट भी हम करने वाले ऊपर साइड में हमारा टॉप साइड में हमारा लाइबिलिटी रहेगा बॉटम साइड में हम एसेट्स यहाँ पर मेंटेन कर लेते हैं और एसेट्स और लाइबिलिटी के बीच में यहाँ पर एक टोटल मेंटेन रहेगा वो हम लास्ट में लगाएंगे लेकिन पहले हमने बहुत सारा इसमें कटिंग करनी है क्योंकि जैसे जैसे एक एक एंट्री बनाते जाएंगे वैसे वैसे उसे लाइबिलिटी बैलेंस शीट में भी प्रेजेंट करते चले जाएंगे ये बैलेंस शीट आप कुछ कुछ ऐसे मान लो जैसे हम टैली में एंट्री डाल रहे होते हैं तो टैली में एक एंट्री डाला तो एक एंट्री से रिलेटेड सारी की सारी पिक्चर आपको बैलेंस शीट में देखने को मिल जाती है तो वही पिक्चर में आपको दिखाऊंगा कि एक सिंगल एंट्री डालते ही आपकी बैलेंस शीट पर इधर क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा चलो बेटा तो यहां पर एंट्री हम बनाते जाएंगे और साथ ही साथ में उसका इंपैक्ट भी बैलेंस शीट पर डालते जाएंगे सीता लिमिटेड ने इशू कर दिए शेयर्स और कैसे इशू किए एक लाख शेयर एट द रेट ऑफ टेन इच एक लाख शेयर वन लाख शेयर एट द रेट ऑफ ईच और इंस्टॉलमेंट था एप्लीकेशन पर पांच रुपए अलॉटमेंट पर तीन रुपए एंड फर्स्ट कॉल पर दो रूपये फेस वैल्यू थी शेयर की दस रुपए इसका मतलब सर ये केस हो गया पार वाला जितने का शेयर उतने में इश्यू कर दिया फाइव प्लस थ्री प्लस टू इज इकल टू टेन एंड फेस वैल्यू भी टेन ही रुपीज है सारे के सारे शेयर होल्डर अच्छे वाले थे बढ़िया वाले थे सबने टाइम पर पेमेंट किया एक्सेप्ट मिस्टर रोहित डिड नॉट पे अलॉटमेंट ऑन बार्ड्स मतलब मिस्टर रोहित ऐसे शेयर होल्डर्स थे जिनके पास दो हजार शेयर होल्डर्स हैं और दो हजार सॉरी दो हजार शेयर्स हैं इसके बावजूद मिस्टर रोहित पेमेंट नहीं किया अलॉटमेंट पर भी पेमेंट नहीं किया अलॉटमेंट की अमाउंट भी पेमेंट नहीं किया और फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी पेमेंट नहीं किया हम नाराज हो गए और हम नाराज हुए तो रोहित के शेयर फॉरफिट कर लिए और रोहित के शेयर्स को फॉरफिट किया गया आफ्टर फर्स्ट कॉल सारे के सारे ट्रांजेक्शन को जनरलाइज करके सर दिखा दीजिए पहला जनरल एंट्री हम पास करेंगे एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा एक लाख शेयर्स पर मिलेगा और एक लाख शेयर्स पर भी कितने रुपए से मिलेगा पांच रुपए से मिलेगा तो पांच लाख रुपए एप्लीकेशन पर मिलेंगे एंट्री बड़ी सिंपल सी रहेगी एंट्री बड़ी सिंपल सी रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आ रहा है आपका जब जब पैसा आता है तो हमेशा असेट्स बढ़ती है असेट्स बढ़ती है तो उस बैंक को बैलेंस को डेबिट किया जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हमारे पास बैंक का बैलेंस बढ़ा कितने से बढ़ा? पांच लाख रुपए से बढ़ा। टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव फाइव लाख रुपीज से हमने ये एंट्री पास कर दिया फाइव लाख रुपीज से हमने एंट्री पास कर दिया आप सबने एंट्री पास कर लिया होगा इस एंट्री में कोई मुश्किल आपको फील नहीं हुई होगी चलो बच्चों इस एंट्री का इंपैक्ट अपनी बैलेंस शीट पर एक बार डाल के देखते हैं बच्चे कहते हैं हां जी सर ये बात तो आपने बिल्कुल जस्टिफाइड किया बैलेंस शीट पर इसका इंपैक्ट डालेंगे तो बताओ सर कैसे कैसे जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट एक असेट्स का अकाउंट है असेट साइड में जाना चाहिए और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये उन शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है मैंने आपसे बोला था जब किसी पर्सन का अकाउंट उसके नाम से ओपन नहीं करते तो कई बार ग्रुपिंग में एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बना देते हैं या उसके अकाउंट से कोई अनोदर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो इन शेयर होल्डर्स की जगह पर ये गिवर्स हैं, गिवर्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड और जो क्रेडिट आइटम होगा वो मोस्टली लाइबिलिटी का आइटम होता है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने यहां क्रेडिट किया है दूसरी बात ये लाइबिलिटी का अकाउंट है क्योंकि ये बिजनेस को पैसे दे रहे हैं और बिजनेस को कभी ना कभी तो वो पैसा वापस करना पड़ता है वो बात अलग है कि कैपिटल का पैसा काफी टाइम तक काफी बहुत लंबे टाइम तक बिजनेस में लगा रहता है लेकिन वो पैसा बिजनेस की एक लाइबिलिटी तो होता है वो बात अलग है वो इंटरनल लाइबिलिटी होता है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लाइबिलिटी तो है ना और लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा अब तक हमने यहां पर देखा अब तक हमने यहां देखा शक्तिमान की तरह अब तक देखा अब तक आपने देखा तो अब तक आपने एंट्री बनाया क्या एंट्री बनाया बैंक को डेबिट किया असेट्स बढ़ गया कितने से बढ़ गया पांच लाख से बढ़ गया बच्चे कह रहे ठीक है सर यह बात तो हमको समझ आई तो असेट्स पांच लाख से बढ़ेंगे ना आपके लाइबिलिटी साइड में क्या बढ़ेगा लाइबिलिटी साइड में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्योंकि टेम्प्रेरी क्रेडिट अकाउंट है लाइबिलिटी साइड में जाना चाहिए क्या आपकी बैलेंस स्टिल टैलिड है एक आइटम लाइबिलिटी में पहुंचा तो दूसरा आइटम असेट्स में पहुंचा बेट, बच्चे कह रहे हैं सर वास्तव में प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा पहले एंट्री पास होती है आप सभी जानते हो फिर उसके बाद मैंने आपसे बोला लेजर अकाउंट बनते हैं लेजर अकाउंट में जो क्रॉस कैंसिलेशन हो जाता है वो अकाउंट कभी भी बैलेंस शीट में नहीं जाते ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बैलेंस शीट में कभी नहीं आएगा लेकिन मैं आपको फील करा रहा हूं हर एक एंट्री का इंपैक्ट बैलेंस शीट पर पड़ता है और वो इंपैक्ट जिस दिन आपके माइंड में चलने लग गया समझो कि आप बहुत बेहतर अकाउंटेंट बन चुके हैं डेबिट क्रेडिट पर आपकी कमांड हो चुकी है और डेबिट क्रेडिट पर जिस बच्चे की कमांड हो जाती है चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए उसके लिए चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए उसको कोई नहीं हिलाने वाला मेन चीज है कमांड होनी चाहिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया तो बच्चे का वहां पर फेजी गायब हो जाता है पता नहीं क्या पढ़ लिया और अकाउंट से तो कई बार बच्चे ऐसे डरते हैं कि पूछो मत डरने वाली बात थोड़ी है डेबिट और क्रेडिट दो ही तो आइटम है तीसरा तो कोई आइटम भी नहीं है चलो मैंने आपसे बोला एक एंट्री आपने बनाई आपने कहा हाँ जी सर हमने एक एंट्री बनाई एप्लीकेशन के पैसे को ड्यू कर दिया तो अब क्या करें सर मैंने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है एप्लीकेशन के पैसे को जब ड्यू करना आता है तो जब वो सॉरी जब रिसीव करना आता है तो एप्लीकेशन के पैसे को रिसीव कर लिया एंट्री बना दी तो ड्यू के टाइम पर भी एंट्री बनाई दोगे बच्चे कह रहे हैं हाँ जी सर बना देंगे ये लो सर एंट्री बच्चों ने बोला सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को अब डेबिट करके खत्म करो

एप्लीकेशन का पैसा जो ड्यू होगा वो अलॉटमेंट पर ड्यू होगा तो बीइंग एप्लीकेशन मनी बीइंग एप्लीकेशन मनी बीइंग एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन मनी ड्यू ड्यू ऑन अलॉटमेंट ये ये लो बच्चों क्या हमने एंट्री बनाई बड़ी सिंपल सी एंट्री बच्चे कह रहे यहां तक तो कुछ भी नया नहीं है मैंने कब कहा यहां तक नया है नया तो अभी आगे आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये तो सर पहले की तरह बन रहा है बट सर ये बात तो ठीक है लेकिन आप इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करके दिखा दो वो हमारे लिए एक अच्छी बात होगी और हमको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होगा तो मैंने बोला बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया पहले ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट था मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खत्म जो पहले क्रेडिट था बाद में उसी को डेबिट कर दिया उसका मतलब उस अकाउंट की एग्जिस्टेंस खत्म अब बचपन की तरह हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि हमने पेंसिल से कुछ लिख दिया बाद में गलत हो गया तो इरेज कर दें अकाउंट में ऐसे नहीं चलता अकाउंट में इरेज करने का फंडामेंटल ही अलग है फंडामेंटल क्या है कि जो क्रेडिट है उसे उठा के डेबिट कर दो प्लस माइनस आपस में इरेज हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे तो हमने जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट करके यहां खत्म कर दिया अब हम क्या करें बच्चे कह रहे हैं कुछ मत करो ये जो एप्लीकेशन अकाउंट है इसे यहां से उड़ा दो मतलब इसे खत्म कर दो मैंने ये काट के खत्म किया है अकाउंट में ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा क्योंकि जो डेबिट का क्रेडिट हुआ वो अपसेट हो जाएगा वो गायब हो जाएगा तो सर इसकी जगह पर क्या आएगा मैंने कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पांच लाख रुपए का शेयर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट हो चुका है वो क्रेडिट आइटम है लाइबिलिटी का आइटम है और एक लाइबिलिटी का आइटम एक लाइबिलिटी का आइटम भाइयों बहनों कहा जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट मेरे प्यारे भाइयों बहनों लाइबिलिटी का आइटम कहा जाएगा शेयर कैपिटल में जाएगा शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल हमारे एक लाएविल्टी और, तो और बैंक बेचारा अकेला पड़ा हुआ है जो कुछ भी चल रहा है वो अभी लाइबिलिटी में ही चल रहा है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बैलेंस का इंपैक्ट अगर समझ में आया तो जल्दी से बच्चों से बच्चों दो यस टाइप करने में देर लग रही हो तो वाई टाइप कर दो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों यस टाइप कर दो यस टाइप करने में अगर देर लग रहा हो तो वाई टाइप करो बट बत मुझे बताओ क्या यहां पर बैलेंस शीट पर जो इंपैक्ट पड़ा वो समझ में आया बच्चे कह रहे हैं यस सर यस सर बहुत बढ़िया समझ में आया बहुत बढ़िया समझ में आया आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं लाइबिलिटी और असर्ट्स की मैंने आपसे बात करी बैलेंस शीट का इंपैक्ट देखा सेकंड एंट्री का कोई किसी का कंफ्यूजन कभी भी हो फटाफट से टाइप कर देना मैं उस कंफ्यूजन को पिक कर लूंगा ऑटोमेटिकली जनरल एंट्री की मैंने बात करी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन रिसीव के टाइम पर एंट्री बनाया उस पैसे को ड्यू कर दिया अलॉटमेंट पर ड्यू की एंट्री बना दी अब अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट पर ड्यू करना बनता है बच्चे कह रहे हाँ बिल्कुल बनता है तो सर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करिए अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे तो हम शेयर होल्डर्स को डेबिट करेंगे शेयर होल्डर्स को डेबिट करने का तरीका शेयर होल्डर्स का नाम नहीं लिखेंगे और नही शेयर होल्डर्स लिखेंगे सारे शेयर होल्डर्स को कंबाइंडली एक अकाउंट से डेबिट कर देते हैं और उसका नाम रहेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कंबाइंडली इनको डेबिट कर दिया और कितनी अमाउंट से डेबिट कर दें बच्चे बोल रहे हैं कि सर अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट तीन रुपए दे रखा है थ्री रुपीज से आप यहां पर डेबिट कर दीजिए मैंने कहा ठीक है बच्चों आपने कहा और हमने कर दिया थ्री रुपीज से डेबिट कर दिया बच्चे कह रहे हैं आप जानते हैं क्योंकि आप शेयर का अलॉटमेंट हो चुका है जैसे ही शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करोगे इसका मतलब आप उनसे पैसा मांग रहे हो तो क्यों मांग रहे हो उनको डेबिट क्यों दे रहे हो क्योंकि उनके उनका जो कैपिटल अकाउंट आप ओपन कर रहे हो कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर रहे हो उतनी वैल्यू से तो उनका एक भी आप क्रिएट कर रहे हो ऑन द अदर एंड आपकी एक असर्ट्स क्रिएट हो रही है क्योंकि आपके एक तरीके से डेटर्स बढ़ रहे हैं बट ये डेटर्स गुड्स के लिए डेटर नहीं है आपके आपके बिजनेस को अब इनको पेमेंट करने की ऑब्लिगेशन इनको शेयर अलॉट हो चुके हैं और जो अलॉटमेंट की डेट फिक्स हुई थी उस डेट पर आपने इनको इनका पैसा ड्यू कर दिया कि अब आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप अलॉटमेंट का पैसा पे करें और उनको एक प्रिस्क्राइब डेट दे दिया जाता है कि आप इस डेट तक पैसा पे करें तो शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया और ये पैसा जाएगा कहां शेयर कैपिटल अकाउंट में शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वो भी कितने रुपीज से थ्री लाख रुपीज से बच्चे कह रहे ठीक है सर ये बात समझ में आई तो बींग बींग अलॉटमेंट मनी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट अलॉटमेंट पर ही अलॉटमेंट मनी को हमने ड्यू कर दिया बच्चे कह रहे हैं क्या सर हम ऊपर वाली दो एंट्री को एक साथ बना सकते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबेट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हो कंबाइंडली शेयर कैपिटल आठ लाख से क्रेडिट कर सकते हो और शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर सकते हो पांच लाख से शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर सकते हो तीन लाख से क्योंकि दोनों ही एंट्री दोनों ही एंट्री अलॉटमेंट के इवेंट पर होती है तो इन दोनों एंट्री को कंबाइंड करके भी, आप बना सकते हो। अलग -अलग भी बना दो तो चलेगा दे रहे होते। तो अगर दो की एक एंट्री बना दी तो उस एंट्री पर भी एक ही नंबर कई बार दे जाता है गलती से क्योंकि जल्दी होती है कई बार कॉपी चेक करने की गड़बड़ हो जाती है मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ आता है लेकिन कई बार इंसान है इंसान से गलती हो ही जाती है जब हम क्वांटिटी में ज्यादा चीजें दिखाते हैं एक एंट्री ये एक एंट्री ये एक एंट्री है अब करो स्टेप मार्किंग मतलब एक नंबर इधर दिया एक नंबर इधर दिया एक नंबर इधर दिया अगर कंबाइंड एंट्री बना दी होती तो वो दोनों को मिलाकर के एक ही नंबर दे करके आगे बढ़ सकता था तो कोशिश करो अलग अलग बनाए अगर कहीं सब्जेक्टिव की जरूरत पड़े बट हमारा पेपर तो ऑब्जेक्टिव है हम तो यहां पर इफेक्ट के बेसिस पर हम एंट्री बनाएंगे कौन सा अकाउंट डेबिट करना है कौन सा क्रेडिट करना है ऐसे करके एमसीक्यू से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है अमाउंट के बेसिस पर पूछा जा सकता है तो हमको इफेक्ट बहुत डिटेल में अच्छे से आने चाहिए क्योंकि हम एमसीक्यू क्वेश्चन में वो किस तरीके से पूछ लेगा कहा नहीं जा सकता वहां पर अगर आपको इफेक्ट नहीं आते तो साइड या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को एमसीक्यू में सोल्व कर पाए तीन एंट्री बनाई अलॉटमेंट की एंट्री बनाने के बाद बैलेंस शीट पर क्या इंपैक्ट पड़ा तो अलॉटमेंट का बैलेंस डेबिट है जो डेबिट आइटम है या तो वो ट्रेडिंग पीएनएल में जाता है एक्सपेंस के तौर पर या अगर वो असेट्स का आइटम है तो असेट्स में जाएगा अब बैंक के साथ साथ में यहां पर शेयर अलॉटमेंट क्योंकि डेबिट बैलेंस है तीन लाख रुपए का शेयर अलॉटमेंट यहां असेट साइड में आ जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट जो आपका पांच लाख से था शेयर कैपिटल अकाउंट जो आपका पांच लाख रुपए से था अब वही शेयर कैपिटल अकाउंट में दोबारा नोट कर रहा हूं जबकि ऐसा होता नहीं है शेयर कैपिटल अकाउंट में यहां थ्री लाख रुपये से अगेन फर्दर नोट कर देता हूं तो कैपिटल का बैलेंस भी आपका बढ़कर के आठ लाख हो गया और असेट साइड में आप नजर दौड़ाओ जरा असट साइड में झांक करके देखो तो आपको क्या मिला आपको एक बैंक दिखा जो पांच लाख से जो रिसीव हो गया है और शेयर अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट दिखी जो तीन लाख रुपए से जो रिसीव होनी है मतलब ये पैसा हमारी असैट से क्योंकि आगे फर्दर जाकर के ये बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब शेयर अलॉटमेंट पर जिन जिन लोगों को पैसा पेमेंट करना है जब वो पेमेंट करेंगे तो ये अलॉटमेंट का बैलेंस खत्म हो जाएगा और यहां पर बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा बच्चे कह रहे हैं बहुत बढ़िया सर समझ में आ गया ये इफेक्ट भी समझ में आ गया तो आपने शेयर अलॉटमेंट जो डेबिट था उसे असेट साइड में पहुंचा दिया शेयर कैपिटल जो क्रेडिट था उसे लाइबिलिटी साइड में पहुंचा दिया अब जब पैसा मिलेगा अब जब पैसा मिलेगा बच्चे कह रहे हैं अब जब पैसा मिलेगा तो क्या होगा अब आपको यहां से दो बातें रटाई जाती थी और आपसे बोला जाता था बेटा रट लो मग कर लो ऐसे ही होगा या तो यह कर लेना या यह कर लेना आपने पूछा सर यह क्यों कर लें तो क्यों का मतलब क्यों का मतलब यह था कि ऐसे ही होता है लेकिन अब आपको रटना नहीं है जब कोई भी इंस्टॉलमेंट अनपेड होगी तो रटना क्या सिंपल सी बात है जब अनपेड होगी जब उसका पेमेंट नहीं मिलेगा तो उसकी जब अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे तो उसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे या फिर उसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कर लेंगे अब वो स्पेशल ट्रीटमेंट हमारे दो होते थे रेज कॉल्सन एरियर अकाउंट और नॉट टू रेस कॉल्सन एरियर अकाउंट बच्चों ध्यान से सुनो उसके दो ट्रीटमेंट होते थे रेज कॉल्सन एरियर अकाउंट और नॉट टू रेज कॉल्सनरियर अकाउंट बच्चे कह रहे हैं हां सर यह तो हमने सुनाया कि टीचर बोल देते थे कि रेज कॉल्सन एरियर और नॉट टू रेज कॉल्सन एरियर क्या दोनों का इफेक्ट सेम रहता था क्या कॉल्सन एरियर अकाउंट ओपन करें या ना करें क्या उसका बैलेंस शीट पर इंपैक्ट सेम पड़ेगा या अकाउंटिंग में कुछ चेंज आ जाएगा मैंने कहा सिर्फ प्रेजेंटेशन का खेल है सिर्फ प्रेजेंटेशन का खेल है कॉल्सन एरियर को रेज करने के कुछ फायदे कुछ नुकसान बच्चे कह रहे नुकसान भी है लॉसेज भी है मैंने कहा दिक्कत है एंट्री बनानी पड़ती है घुमा फिरा करके अकाउंट बनाने पड़ते हैं लेकिन कुछ फायदे भी है और कॉल्सन एरियर अकाउंट रेज ना करो तो कई बार कुछ प्रेजेंटेशन में बेटरमेंट दिखता है तो कुछ बेटर कहीं किसी जगह पर बेटरमेंट नहीं दिखता तो मर्जी है ओपन करो या ना करो अकाउंटिंग पर इफेक्ट तो सेम पड़ता है लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है बात क्लियर और कहां कहां प्रेजेंटेशन चेंज होती है उन सारे मुद्दों की मैं बात करूंगा तो बने रहना है बेटा कंसंट्रेशन के साथ एक मिनट भी कोई मेरे से ब्रेकफास्ट वगैरह की बात मत कर लेना कि सर ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं ब्रेक दे दो ब्रेक नहीं दूंगा ये क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद विद इफेक्ट बताने के बाद ब्रेक दूंगा आपको ऐसे ही ब्रेक नहीं देने वाला आज बात क्लियर है तो यहां कोई बच्चा नाश्ते को याद ना करे को याद ना करें कंसर्प्ट बड़ा ही इंपोर्टेंट चल रहा है अगर ये समझ में आ गया ना समझो शेयर कैपिटल चैप्टर ही खत्म कहानी खत्म बचेगा ही नहीं इसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या बात कर दी आपने आपने का कंसंट्रेशन आज तो हम कुछ सोचेंगे भी नहीं देखेंगे भी नहीं आज तो हमारा कंसंट्रेशन पीक पर होगा न्यूटन की तरह पढ़ेंगे आज हम न्यूटन की तरह मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा चलो जी तो दो आइटम तो क्योंकि मैंने आपको ये लाइन बीच में क्यों खींची क्योंकि यहां तक एक एंट्री बन रही थी अब रिसीव के एंट्री के साथ हमारी हाँ बेटा लगी है भूख मुझे भी भूख लगी है मुझे भी कहीं ना कहीं नाश्ता करने जाना है मेरे नाश्ते की खुशबू आ रही है आहा, आहा, नाश्ते की खुशबू आ रही है बेटा मेरे को क्योंकि अब जाहिर सी बात आप समझ रहे हो क्लास कहां से हो रही है बट दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन को छोड़ के मैं नहीं जा सकता और इस क्वेश्चन को छोड़ करके मैं नहीं जा सकता तो आपको भी नहीं जाना चाहिए चलो जी हमने बात की बेटा हमने बात की मैंने लाइन बीच में ये बॉर्डर बीच में इसलिए खींचा क्योंकि एक तो हम बात करेंगे रेज कॉल्स इन एरियर अकाउंट कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एरियर अकाउंट और दूसरा नॉट टू रेज नॉट टू रेज कॉल्स इन एरियर अकाउंट बच्चे कह रहे हैं सर एग्जाम में ऐसे ही करके दिखाना होता है क्या कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट रेज करके ये ट्रीटमेंट होगा विदाउट कॉल्स इन एरियर ये ट्रीटमेंट होगा क्या एग्जाम में ऐसे ही दिखाना पड़ेगा मैंने कहा नहीं बेटा नहीं इन दोनों में से कोई एक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा लेकिन मैं प्यारे बच्चों आपको दोनों ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं यह सिखाने वाली बात है <सथ> अरे बेटा नहीं किया सच बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं नहीं किया सच बोल रहा हूं नहीं किया आपने ये कमेंट बॉक्स में जो ये स्माइली भेजा है इस स्माइली की कसम मैंने अभी नाश्ता नहीं किया अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो यह स्माइली अभी के अभी गायब हो जाएगा चलो जी अभी के अभी ये ऊपर से चला जाएगा वो नहीं जाएगा रेज कॉल इन एरियर अकाउंट और नॉट टू रेज कॉल इन एरियर अकाउंट दो केस हमें लेकर के चल रहे बड़े ध्यान से सुनो जो सब पार्ट अलग थे अभी हम मुद्दे पर आ जाएं कंसंट्रेट करें रेज कॉल इन दोनों में से कोई एक ट्रीटमेंट करना ये बात याद रखना और दोनों का इफेक्ट सेम होगा दोनों का इफेक्ट बैलेंस शीट पर डाल के बताऊंगा बच्चे कह रहे हैं लेकिन बैलेंस शीट तो एक है फिर दो इफेक्ट कैसे डाल के बताएंगे आप मैंने कहा बेटा बैलेंस शीट हमारी एक तो ये होगी यहां पर हम ये बैलेंस शीट होगी नॉट टू रेस नॉट टू रेस कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एरियर और एक बैलेंस शीट हम अलग से और बनाएंगे एक बैलेंस शीट हम और अलग से बनाएंगे जो बैलेंस शीट होगी रेज कॉल्स इन एरियर और लास्ट में इन बैलेंस शीट को आपस में टैली भी करके देखेंगे चलो जी ये बैलेंस शीट बच्चों मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ प्रॉपर फॉर्मेट में मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ टाइम चाहिए बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन बहुत डिटेल में हम सीखते हैं कोई बच्चा मेरे से ये ना बोले सर ये नहीं लिखा आपने बैलेंस शीट में ये हेड नहीं बनाया मैंने कहा जो सारे हेड बना लेंगे रुक जाओ अभी इंतजार तो करो अभी वो हेड बनाने का वक्त नहीं है अभी सिर्फ वक्त है कॉन्सेप्ट को समझने का जो मैंने ये बैलेंस शीट अब तक बनवा दी है एज एट इज कॉपी कर लेते हो कॉपी करने में हम बहुत मारती हैं फटाफट से भी फट आप भी कॉपी कर लो शेयर कैपिटल का बैलेंस पांच और तीन आठ लाख फटाफट से लाइबिलिटी साइड में लिख दे क्योंकि अब तक तो यही हुआ है ना शेयर कैपिटल का बैलेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस एट लैख शेयर कैपिटल का बैलेंस एट लैख बच्चे कह रहे हैं ये एट लैख कैसे आया मैंने कहा ये एट लैख ऐसे आया शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट पांच और तीन आठ लाख बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर मुकम्बे खुश हुआ आगे हम बात कर रहे हैं ट साइड में क्या है बैंक का बैलेंस पांच लाख है और शेयर अलॉटमेंट का बैलेंस तीन लाख है बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर ये भी ठीक है बैंक का बैलेंस और अलॉटमेंट का बैलेंस तो बैंक का बैलेंस यहां पर लाख और शेयर अलॉटमेंट का बैलेंस यहां पर चल रहा है थ्री लाख ये अब तक दोनों बैलेंस शीट एक जैसे हो गए दोनों ही बैलेंस शीट एक जैसे हो गए लेकिन एक बैलेंस शीट में हम कॉल्सिन एरियर अकाउंट को रेज करने वाले एंट्रीज के इंपैक्ट डालेंगे तो दूसरे है दूसरे बैलेंस शीट में गायब हो गया लेकिन वो गंदा वाला वो स्माइली था वो गायब हो जाता है मतलब मैंने नाश्ता फिर भी नहीं किया चलो जी ऐसे थोड़ी ना होता है शेयर <coughs> कैपिटल की हम बात कर रहे हैं शेयर कैपिटल की हम बात कर रहे हैं शेयर कैपिटल का यहां आठ लाख का बैलेंस दूसरे साइड में एसेट्स का बैलेंस यहां पर बैंक और शेयर अलॉटमेंट पांच लाख और तीन लाख टोटल आठ लाख का बैलेंस अब यहां पर मेरे को एक बात बताओ बैलेंस शीट दोनों एक जैसी होगी दो बैलेंस शीट हमने बना ली है एक पर देखेंगे कि हम जब कॉल्सन एरियर अकाउंट रेज करते तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा एक पर नॉट टू रेज कॉल्सन एरियर अकाउंट तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्या इंपैक्ट पड़ेगा फटाफट से बच्चे कह रहे हैं हाँ जी सर ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो अब तक जो हमने एंट्री बनाई वो सारे के सारे एंट्रीज को हमने बैलेंस शीट में पहुंचा दिया है और अब जो हम आगे एंट्री बनाने वाले हैं अब जो आगे एंट्रीज हम बनाने वाले हैं वहां पर हमने दो फंडामेंटल कर दिए एक रेज कॉल्सन एरियर अकाउंट एक नॉट टू रेज कॉल्सन एरियर अकाउंट चलो जी अब पैसा मिलेगा पहला केस है रेज कॉल्सिन एरियर अकाउंट पहला केस है रेज कॉल्सिन एरियर अकाउंट अब यहां पर जब कॉल्सिन एरियर अकाउंट रेज कर रहे हैं तो पैसा मिलेगा अब पैसा कितना मिलेगा यह भी देखने वाली बात है अलॉटमेंट पर सारा पैसा मिल जाएगा तीन रुपए के अकॉर्डिंगली रुपीज थ्री रुपीज थ्री पर शेयर के अकॉर्डिंग बट टू थाउजेंड शेयर पर पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स वर्ड्स उसने डिफॉल्ट किया है अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स का मतलब अलॉटमेंट पर भी डिफॉल्ट और फर्स्ट कॉल पर भी डिफॉल्ट तो दो हजार सेयर्स पर आपको जो पैसा नहीं मिलेगा दो हजार सेयर्स पर तीन रुपए से पैसा नहीं मिलेगा तो कितना अमाउंट नहीं मिलेगा बच्चों सिक्स थाउजेंड कितना अमाउंट नहीं मिलेगा सिक्स थाउजेंड यह सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रही है चलो जी तो रेज कॉल एरियर अकाउंट जितना पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट और साथ ही साथ जो पैसा नहीं मिलेगा जो पैसा नहीं मिलेगा वो उसे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट के तौर पर डेबिट कर देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट और साथ ही साथ में साथ ही साथ में एक जो अलॉटमेंट अकाउंट था हमारा जो टेम्प्रेरी अकाउंट था अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जो तीन लाख रुपए से था उसे क्रेडिट करके खत्म कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो तीन लाख रुपए हमको चाहिए थे के तीन लाख रुपए में से हमको कितना पैसा नहीं मिला दो हजार शेयर पर तीन रुपए से छह हजार रुपए नहीं मिले दो हजार शेयर होल्ड कर रखे थे मिस्टर रोहित ने। उस पर तीन से पेमेंट नहीं मिला तो यहां पर मल्टीपल बाय थ्री मल्टीपल बाय टू थाउजेंड इजल टू छे और टू मल्टीपल बाय टू थाउजेंड मतलब चार हजार हमको फर्स्ट कॉल पर भी नहीं मिलेंगे तो छ हजार नहीं मिले तीन लाख रुपए मिलने थे छ हजार नहीं मिले तो मिल कितने गए बच्चों टू लैक नाइन्टी फोर थाउजेंड टू लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड तो जो मिला उसे बैंक में डेबिट कर दिया जो नहीं मिला उसे हमने कॉल्सन एरियर में डेबिट कर दिया बच्चे कह रहे हैं क्यों किया कॉलसन एरियर में डेबिट अब देखो क्यों किया ये टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया था ये टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया था तीन लाख रुपए से कि ये पैसे मिलेंगे और इस पैसे को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया एक लाइबिलिटी अपनी जगह क्रिएट कर ली तीन लाख की अब किसी पर्सन ने अगर पैसा नहीं दिया हमने इस टेम्पररी अकाउंट को जो ओपन किया उसे हमने कंप्लीटली क्लोज कर दिया तीन लाख से उसे ओपन किया था पैसा मिलेगा वो कंप्लीटली क्लोज कर दिया साथ ही साथ में जो मिल गया उसे बैंक में डाल दिया और जो नहीं मिला उसके लिए फर्दर एक और टेम्प्रेरी अकाउंट ओपन कर दिया ये वो अकाउंट है देखो कॉल्स इन एरियर का बैलेंस भी डेबिट और इस शेयर अलॉटमेंट का भी बैलेंस डेबिट जो जो शेयर होल्डर पे नहीं करेगा उसका बैलेंस डेबिट ही रहेगा चाहे नाम क्यों ना बदल जाए पहले शेयर अलॉटमेंट के नाम से था जब तक शेयर अलॉटमेंट के नाम से दिख रहा था तब तक, तक यह था कि यह पर्सन है कोई डिफॉल्ट नहीं किया बट अभी इसका टाइम लिमिट आना है और ये पे, पैसा पे करेगा लेकिन जैसे ही पैसा कॉल्सिन एरियर में गया तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉल्सिन एरियर में जाने का मतलब है तो डेबिट बैलेंस ही शेयर होल्डर का डेबिट बैलेंस है और वो पेमेंट भी करेगा बट इसका मतलब है कि बाकी सबने पेमेंट कर दिया और रिसीव की एंट्री पास हो गई है पर्टिकुलर एक प्रिस्क्राइब डेट पर बट ये पर्सन है इसने प्रिस्क्राइब डेट तक कॉल्स का पेमेंट नहीं किया बट ऐसा नहीं है कि किसी से थोड़ा बहुत भी डिफॉल्ट हुआ फटाफट से आप उसकी फांसी लगा दो आप उसे कह दो नहीं तो, अब तो, अब तो आपके शेयर फॉरफिट हो ही जाएंगे क्योंकि कई बार हम वेट करते हैं सर्टन से टाइम तक कॉल्स इन एरियर का पैसा उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए लाइबिलिटी है तो बैंक के लिए एक असेट्स है और ये असेट्स है पहले भी ये शेयर अलॉटमेंट के नाम से डेबिट कर रखा था और अभी ये कॉल्स इन एरियर के नाम से डेबिट कर रखा है पैसा मिलेगा जरूर केस नंबर वन कवर कराया मैंने अभी यह केस नंबर बेटा अभी अभी आप थोड़ा सा वेट करो बस थोड़ा सा वेट करो इस दोनों को दोनों की मैं एंट्री बना दू दोनों का इफेक्ट बैलेंस शीट पर आपको सिखा दू आप देखना आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा मैं ज्यादा नहीं आपको पांच मिनट के वेट करने का बोल रहा हूं तो मैंने बोला कि बैंक में आपका पैसा जो आएगा टू लैख नाइनटी फोर क्योंकि इतना पैसा मिलेगा जो नहीं मिलेगा वो कॉल्सिन एरियर में गया और साथ ही साथ में अलॉटमेंट का सारा बैलेंस आपने खत्म कर दिया क्रेडिट करके खत्म कर दिया डेट मीन हमने बात किया बींग बींग अलॉटमेंट मनी अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट टू थाउजेंड शेयर्स दो हजार शेयर्स को छोड़ करके हमको अलॉटमेंट का मनी मिल गया बच्चे कह रहे हैं इसका बैलेंस शीट में इंपैक्ट डाल के दिखाओ मैंने कहा हां बिल्कुल बैलेंस शीट में इंपैक्ट रेज कॉल्सिन एरियर वाली बैलेंस शीट में जाना है दो बैलेंस शीट बना रखी है ना रेज कॉल्सिन एरियर तो ये तो था नॉट टू रेज कॉल्सिन एरियर गड़बड़ मत कर देना रेज कॉल्सिन एरियर वाली बैलेंस शीट में आ गए हम यहां पर शेयर कैपिटल है आठ लाख से बैंक है पांच लाख से शेयर अलॉटमेंट है असाइड साइड में तीन लाख से अब यहां पर एंट्री में हुआ क्या है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करके खत्म कर दिया गया मतलब असर्ड साइड में जो शेयर अलॉटमेंट डेबिट था उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया गया तो वो अलॉटमेंट कंप्लीटली क्या हो जाएगा खत्म और असर्ट साइड में बैंक का बैलेंस डेबिट हो जाएगा टू लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड से बढ़ जाएगा मतलब और कॉल्स इन एरियर बढ़ जाएगा असर्ट साइड में छह हजार रुपए से तो यहां लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं होगी असर्ट साइड को ही अफेक्ट करेगा ये पर्टिकुलर एंट्री और असट साइड में एक अकाउंट आपका एक आइटम हट जाएगा और दो आइटम उसकी जगह पर आ जाएंगे असेट साइड में दो आइटम डेबिट हुए तो दोनों के दोनों आइटम पहुंच जाएंगे और एक डेबिट आइटम साइड का क्रेडिट हो गया तो वो खत्म हो जाएगा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये लाख का खत्म हो गया साइड से कंप्लीटली खत्म हो गया लेकिन यहां पर जो बैंक का बैलेंस जो बढ़ चुका है बैंक का बैलेंस अब बढ़ चुका है टू नाइनटी फोर थाउजेंड से और कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी वहां डेबिट हुआ था कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एरियर अकाउंट और वो छह हजार रुपए से अब देखो जरा इस बैलेंस शीट पर नजर दौड़ाएं इस बैलेंस शीट को जरा गौर से देखें गौर से देखो जरा इस बैलेंस शीट को शेयर कैपिटल आठ लाख का शेयर कैपिटल आठ लाख का बैलेंस है शेयर कैपिटल आठ लाख का बैलेंस है बैंक के बैलेंस को देखो पांच और दो सात लाख सेवन लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड का बैलेंस है एरियर दूर से देखने से पता चलता है ये वो person है जिनको पेमेंट करना था ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं किया क्योंकि अकाउंट को सुनते ही ये इमेजिनेशन माइंड में बन जाएगी ये इमेजिनेशन माइंड में बन जाएगी कि ये पैसा वो पैसा है जो मिलना मिल जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं मिला बात क्लियर तो मैंने इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन डाल के दिखाया नॉट टू रेस कॉल्सन एरियर अकाउंट और रेज कॉल्सिन एरियर अकाउंट दो फंडामेंटल होते हैं तो मैंने रेज कॉल्सन एरियर अकाउंट एरियर अकाउंट को रेज किया और उसका बैलेंस शीट पर क्या इंपैक्ट पड़ा वो दिखाया इसी एंट्री को हम अगर बनाए नॉट टू रेज कॉल्सिन एरियर अकाउंट अगर इस एंट्री को बनाए नॉट टू रेज कॉल्सन एरियर अकाउंट तो देखना जरा बैलेंस शीट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों एंट्री बना रहा हूं मैं यहां पर अगेन मैं यहां एंट्री बना रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट बेटा पैसा तो उतना ही मिलेगा अकाउंट आप ओपन करो या ना करो इस बात से क्या फर्क पड़ता है टू लैख नाइनटी फोर थाउजेंडी तो मिलेगा बच्चे कह रहे हैं यस सर टू लैख नाइंटी फोर थाउजेंड ओके तो मैंने कहा जितना पैसा मिला उतने से ही शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्लोज कर दो बाकी अलॉटमेंट अकाउंट खुला रहने दो दैट मींस हमारा तीन लाख ,00 से अलॉटमेंट अकाउंट हमने डेबिट किया था अब क्लोज करते टाइम पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को मात्र टू लैक नाइन्टी फोर थाउजेंड से ही क्लोज करेंगे बाकी ओपन रहने देंगे बाकी ओपन रहने देंगे बेटा सी की क्लास के लिए लॉट मोर क्लासेस आपके लिए अपलोड कर दिए हैं पहले वो जो अपलोड क्लासेस है आप उन्हें कंटिन्यू देखते रहें, आप उन्हें कंटिन्यू देखते रहें उसके बाद आपका एक दो दिन से अलग से जो लाइव के रिवीजन वगैरह के बैचेस हैं कुछ चैप्टर्स के एडिशनल बैचेस हैं वो चलना स्टार्ट हो जाएंगे वो नोटिफिकेशन आपको ऐप आप में मिल जाएगा लेकिन एटलीस्ट आपके लिए कंटेंट इतना अपलोड कर दिया गया है उसे देखिए वो इसीलिए अपलोड किया गया है कि आप जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कवर करें क्लियर है चलो बेटा आगे मैं बढ़ रहा था टू रेज ियर अकाउंट की बात कर रहा था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहां पर हमने एंट्री बनाई बैंक का बैलेंस डेबिट हो गया बढ़ गया दो लाख चौरानवे हजार से और शेयर अलॉटमेंट का बैलेंस कम हो गया दैट मींस जो अकाउंट ओपन था वो टू लैक नाइन्टी फोर थाउजेंड से क्लोज हो चुका है पूरा क्लोज नहीं हुआ टू लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड से क्लोज हुआ है यहां पर नरेशन डल जाएगी आपकी बींग अलॉटमेंट मनी अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट एक्सेप्ट टू थाउजेंड शेयर बच्चे कह रहे हैं क्या नरेशन सेम ही रहेगी मैंने कहा बेटा नरेशन में क्या चेंज होना नरेशन का मतलब आइडेंटिफाई करना बताना ये किसका ट्रांजेक्शन है हमने यहां पर बात किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू लैख नाइनटी फोर थाउजेंड से एंट्री बना दी बच्चे कह रहे हैं जरा इसका बैलेंस शीट पर इंपैक्ट दिखाओ मैंने कहा हां बिल्कुल दिखाएंगे बैलेंस शीट पर इंपैक्ट बैलेंस शीट पर इंपैक्ट की बात करें तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो तीन लाख ,00 से डेबिट है अब वो क्रेडिट कर दिया है टू लैख नाइनटी फोर थाउजेंड से तो बच्चों अब ये तीन लाख ,00 से डेबिट नहीं रहेगा तीन लाख ,00 का कट गया इसकी जगह पर कितना बचेगा डेबिट आइटम जो बचेगा मात्र सिक्स थाउजेंड का बचेगा क्योंकि थ्री लैख ,00 से डेबिट था क्रेडिट कर दिया टू लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड से तो भाई साहब थ्री लैख माइनस टू लैख फोर थाउजेंड भाई और बहनों थ्री लैख माइनस टू लैख फोर थाउजेंड बैलेंस जो बचा वो कितने का बचा सिक्स थाउजेंड का बैंक का बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में आ रहा है पांच लाख रुपए से शेयर अलॉटमेंट का बैलेंस जो तीन लाख से आ रहा था शेयर अलॉटमेंट का ये डेबिट बैलेंस था क्रेडिट कर दिया टू लाख नाइन्टी फोर साथ बैंक आपका इस एंट्री में डेबिट हुआ है और वो टू लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड से डेबिट हुआ है जरा देखिए बैंक आपका डेबिट हुआ है टू लैख नाइन थाउजेंड से तो ये बैंक को डेबिट करना भी बनता है ना बैंक को बढ़ाना भी बनता है बैंक का बैलेंस अभी पांच लाख आ रहा है और यहां पर बैंक का बैलेंस जो इंक्रीज हो जाएगा टू लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड से और इंक्रीज हो जाएगा जरा आप असेट साइड का टोटल लगाओ असेट साइड का टोटल लगाएंगे नाइनटी फोर और सिक्स वन लैख और थ्री लैख और एट लैख का असेट साइड का टोटल आ रहा है और एट लैख का ही अभी आपका पांच और तीन आठ लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है इंपैक्ट देखने का प्रयास करो सिर्फ फर्क इतना पड़ा आप उंट वाली बैलेंस शीट को गौर से देखोगे तो पाओगे कि बैंक का बैलेंस सेवन लैक नाइन्टी फोर थाउजेंड और वहां पर एक शेयर अलॉटमेंट के नाम से एक अकाउंट है जो छे हजार का दिख रहा है यहां पर थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये शेयर अलॉटमेंट के नाम से छह हजार का बैलेंस क्यों इसका पता लगाने के लिए थोड़ा सा माइंड दौड़ाना पड़ेगा अच्छा अच्छा बाकी सबका बैलेंस मिल गया होगा मतलब ये शेयर अलॉटमेंट की वो अमाउंट होगी जो डेबिट है अभी असैड साइड में पड़ा हुआ है छह हजार रुपए से पड़ा हुआ है मतलब इन्होंने पेमेंट नहीं किया होगा बेटा मैं आपसे अगेन मैं आपको बता रहा हूं बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं अभी आपसे मैं अभी आपको इफेक्ट बता रहा हूं अकाउंटिंग में इफेक्ट कैसे पड़ते हैं कोई मेरे से शेड्यूल थ्री की फॉर्मेट या प्रेजेंटेशन की अभी उम्मीद ना करे क्योंकि अभी मैंने वो चैप्टर आपको सिखाया भी नहीं है बताया भी नहीं है बट मैं आपको असर्ट्स और लाइवलिटी दो साइड बनाकर के इफेक्ट बता रहा हूं बाद में इन इफेक्ट को हम प्रेजेंट करना भी सीखते हैं कि कहां कौन से आइटम को दिखाया जाता है वो एक अलग बात होती है लेकिन अभी आप देखो बैलेंस शीट क्या टैली है और क्या ये बैलेंस शीट हमारी दूसरी वाली बैलेंस शीट जहां हमने कॉलशन एरियर अकाउंट बना रेज कर रखा है उससे टैली कर रही है बच्चे कह रहे हैं हां जी सर बैंक सेवन लैक नाइन्टी फोर थाउजेंड इधर भी बैंक सर सेवन लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड बट फर्क इतना है यहां शेयर अलॉटमेंट दिख रहा है छह हजार का तो यहां पर शेयर अलॉटमेंट की जगह पर क्या आ गया नया अकाउंट आ गया कॉल्सन एरियर अकाउंट छे हजार मतलब बच्चे कह रहे हैं सब बेकार की बात एरियर ओपन करो या ना करो बात तो सर बराबर ही रहनी है बात तो सर चेंज ही नहीं होनी मतलब जहां कॉल्सिन एरियर जहां हमारा अलॉटमेंट का बैलेंस दिखना है उसकी जगह पर कॉल्सन एरियर का बैलेंस दिखना चालू हो जाएगा और दोनों ही के दोनों डेबिट होंगे दोनों के दोनों ही टेम्परेरी हैं और दोनों के दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हैं। फर्क क्या पड़ता है ये कॉल्सिन एरियर भी उसी शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने पैसा नहीं दिया शेयर अलॉटमेंट भी अभी उसी शेयर को रिप्रेजेंट उसी शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनसे पैसा नहीं मिला तो बात तो बराबर है ना क्या बताइए दोनों एंट्रीज में कोई भी इंपैक्ट कोई भी डिफरेंट इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है क्या कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि कॉल्सिन एरियर अकाउंट को रेज करते ही कुछ और हो जाता है और नॉट टू कॉल नॉट टू रेज द कॉल्सिन एरियर अकाउंट के केस में कुछ और हो जाता है जल्दी से मेरे को एक बार बात बता दो बेटा सारे बच्चे बताओ क्या आपको इफेक्ट एक जैसे लग रहे हैं क्या आप एकदम से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है फटाफट से यस yes टाइप कर दो अगर सब कुछ क्लियर है अगर कुछ डाउट है तो अपना डाउट टाइप कर दो आई थिंक कुछ बेटा आपको कुछ डाउट्स आ रहे थे वो आपके डाउट्स रिजोल्व हो गए होंगे किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट नहीं है तो यस yes टाइप करें अगर कोई डाउट आ रहा है तो डाउट टाइप करें जल्दी से बताइए बच्चों सारे बच्चे जनरली यस टाइप कर रहे हैं इसका मतलब किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है अब मैं आगे बढ़ सकता हूं मैंने आपसे बोला एक एंट्री जहां पेमेंट नहीं मिला उसका इंपैक्ट मैंने आपको दोनों जगह डाल के दिखाया बैलेंस शीट में भी कंपेयर करके बताया और आई थिंक अब आप चीजों को रटेंगी नहीं आप इतना जरूर समझ चुके होंगे कि चीजें आपने रटनी नहीं है क्योंकि जहां आपने रटा वहां आपकी अकाउंटिंग में बेड़ा गर्क हुआ दैट मीन्स अकाउंटिंग का मतलब है कि अगर रटोगे तो कहीं भी फंस सकते हो नहीं रटोगे तो आप सारे के सारे अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों केसेस हमने कवर कर लिए दोनों के की एंट्री और रिसीव की एंट्री बना ली अब बारी आती है फर्स्ट कॉल की मिस्टर रोहित ने डिफॉल्ट जरूर किया है लेकिन हम मिस्टर रोहित से नाराज नहीं है नाराज नहीं है हम मिस्टर रोहित से कोई बात नहीं अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों ये लो मैं यहां अब दो केसेस लेकर के चलूंगा हर बार दो केसेस ही लेकर के चलूंगा केस नंबर पहला हमारा केस है रेज कॉल एरिया दूसरा है नॉन टू रेज कॉल्सिन एरिया अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों अगली ड्यू की एंट्री बनाने वाले हैं और ड्यू की एंट्री रहेगी फर्स्ट कॉल की तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री दोनों ही केसेस में सेम बनेगी अलग अलग नहीं बनेगी बच्चे कह रहे बना के दिखाओ तो जाने मैंने कहा लो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल बींग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू और यह फर्स्ट कॉल का मनी कितने से ड्यू होगा फर्स्ट कॉल क्वेश्चन में हमारा दे रखा है बच्चों दो रुपए का दो रुपए का फर्स्ट कॉल है एक लाख शेयर्स पर दो लाख रुपए से यह डेबिट हो जाएगा दो रुपए का फर्स्ट कॉल दे रखा है एक लाख शेयर्स पर फर्स्ट कॉल दो रुपए का है और एक लाख शेयर्स हमने इश्यू किए एक लाख शेयर्स पर दो लाख रुपए का फर्स्ट कॉल होगा फर्स्ट कॉल मनी को यहां पर दो लाख रुपए से आप क्या कर दोगे डेबिट कर दोगे दो लाख रुपए से डेबिट कर दोगे और दो लाख से क्रेडिट करोगे ये दूसरे वाले केस में भी सेम ही एंट्री बनेगी अलग एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि ये ड्यू की एंट्री है सारी कहानी जो बदलेगी वो किस एंट्री में बदलेगी वो रिसीव की एंट्री में अब ड्यू की एंट्री जब दोनों ही केसेस में सेम बनेगी तो बैलेंस शीट पर दोनों पर एक ही एंट्री का इंपैक्ट डाला जाएगा मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं बच्चों एक एंट्री का इंपैक्ट कभी भी दो अलग अलग बैलेंस शीट्स में नहीं जाता सिर्फ मैं आपको यह सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से दो अलग एंट बैलेंस शीट बना रखी है पहले हम नॉट टू रेज कॉल्स ने एरियर वाली बैलेंस शीट में इंपैक्ट डालेंगे शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट बैलेंस है एसेट साइड में जाएगा शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है लाइबिलिटी साइड में जाएगा तो शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा कितने से दो लाख रुपए से यहां पर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और यहां पर जो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट है तो वो असट साइड में चला जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल और ये शेयर फर्स्ट कॉल कितना है बच्चों दो लाख ,00 रुपए से असेट साइड में आ जाएगा बैलेंस शीट का टोटल स्टिल टेलीड पांच और तीन आठ और दो दस लाख रुपए का टोटल अलाइबिलिटी साइड का बन रहा है टू लैख नाइन्टी फोर और सिक्स थ्री लैख और फाइव एट लैख और टू लैख और दस लाख ,00 का टोटल ही हमारा असट साइड में बन रहा है यानी कि पहली बैलेंस शीट भी हमारी टैली और सेम एंट्री का इंपैक्ट अगर हम दूसरी वाली बैलेंस शीट पर डालेंगे तो शेयर कैपिटल का बैलेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस यहां पर दो लाख से बढ़ जाएगा क्योंकि वो क्रेडिट आइटम था और शेयर शेयर फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल जो डेबिट है वो आपका चला जाएगा असल साइड में वो कितने से जाएगा बच्चों थ्री लाख रुपीज से मैं अगेन आपसे बोल रहा हूं कि ये फर्स्ट कॉल कॉल सिन अलॉटमेंट ये लेजर में ही ओपन होते हैं लेजर में ही क्लोज हो जाते हैं बैलेंस शीट में इनके इंपैक्ट नहीं जाते बट मैं आपको सिखा रहा हूं माइंड में तो चलना चाहिए अगर ये एंट्री बनी तो इसका अभी के अभी बैलेंस शीट पर क्या इंपैक्ट पड़ा होगा क्लियर हो गया दो लाख बेटा ये लो बेटा दो लाख कर जब गलती से तीन लाख लग गया होगा कई बार ध्यान कहीं दूसरी तरफ होता है कुछ बताने का ना ना बेटा गलत कर दिया था इसे कहते हैं अलर्टनेस मैंने यहां पर गलत लिखा बच्चे ने बोला नहीं नहीं सर गलत लिख रहे हैं तीन लाख से क्यों इधर तो नहीं लिख दिया तीन लाख से इसे कहते हैं अलर्टनेस इधर तो मैंने दो दो ही लिखा है तो मैंने क्या बोला शेयर कैपिटल दो लाख और शेयर फर्स्ट कॉल असर्ट साइड में दो लाख चलो बेटा यहां पर हमने सारी चीजों को देखा और मेंशन कर लिया अब बच्चे कह रहे हैं एक काम करो जल्दी से आप अगली एंट्री रिसीव की एंट्री बनाओ क्योंकि कहानी तो वहां पर ही चेंज होती है मैंने कहा हाँ ये लो बेटा पहला वाला केस था रेज कॉल्स नेरियर अकाउंट था यहां पर कुछ पैसा नहीं मिलेगा कुछ मिलेगा जो मिलेगा उसे बैंक में डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट बच्चे बोले हां सर यह बात आपने ठीक किया जो मिलेगा उसे बैंक में डालोगे बैंक अकाउंट डेबिट कितने से बैंक डेबिट करोगे क्योंकि पैसा कुछ नहीं मिला है दो हजार शेयर्स में दो रूपये चार हजार रूपए नहीं मिले तो दो लाख में से चार हजार नहीं मिले तो मिल कितना गया वन लैख नाइनटी सिक्स थाउजेंड दो लाख में से चार हजार नहीं मिला तो कितना मिला वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड जो नहीं मिला उसे कॉल्स इन एरियर में डालो कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एरियर अकाउंट तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डालेंगे वो कितना डालेंगे बच्चों फोर थाउजेंड साथ ही साथ में जितना भी हमारा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसे क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये अकाउंट हमें खत्म करना होता है शेयर फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने से टू लाख रुपीज से इसे हमने क्रेडिट करके खत्म कर दिया बींग बींग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट एक्सेप्ट टू थाउजेंड शेयर एक्सेप्ट टू थाउजेंड शेयर्स ध्यान से सुनना बेटा दो हजार शेयर्स को छोड़कर के फर्स्ट कॉल मनी मिल चुका है यह एंट्री हमने इधर बना दिया इधर नॉट टू रेज कॉल्सिन एरियर अकाउंट नॉट टू रेज कॉल्सिन एरियर में क्या होगा जो मेला उसे डेबिट कर दो सीधा सीधा बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड वन लैख नाइंटी सिक्स थाउजेंड और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और यहां पर सेम नरेशन लिख जाएगा बींग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट एक्सेप्ट टू थाउजेंड शेयर तो फर्स्ट कॉल का पैसा मिला कितना वन लैक नाइन्टी सिक्स थाउजेंड तो उतने से ही उसे क्रेडिट करके खत्म करेंगे दोनों एंट्रीज का अलग अलग बैलेंस शीट पर इंपैक्ट डालिए पहली थी नॉट टू रेज कॉल्सिनरियर अकाउंट तो नॉट टू रेज कॉल्सन एरियर अकाउंट वाली ये वाली एंट्री है यहाँ कोई कॉल्सिन एरिया अकाउंट ओपन नहीं किया है तो यहां बैंक का बैलेंस है बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड से यहां अगेन मैं बैंक के बैलेंस को इंक्रीज कर देता हूं कितने से वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड से बैंक के बैलेंस को इंक्रीज कर दिया वन लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड से ये मैंने इंक्रीज कर दिया थर्ड टाइम आगे हम बात करेंगे यहां पर बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो शेयर फर्स्ट कॉल का जो बैलेंस था हमारा दो लाख रुपए ये दो लाख का बैलेंस अब खत्म हो जाएगा दो लाख का बैलेंस खत्म हो जाएगा दो लाख में से वन लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड हम क्रेडिट कर रहे हैं तो दो लाख को तो हम काट देते हैं दो लाख में से वन लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड क्रेडिट होगी खत्म हो, हो गए तो बचा कितना फोर थाउजेंड शेयर फर्स्ट कॉल में कितना बैलेंस बचेगा फोर थाउजेंड यानी शेयर फर्स्ट कॉल का बैलेंस अब कितना रहा फोर थाउजेंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना बचा हुआ सिक्स थाउजेंड बैलेंस शीट का अगर हम स्टिल टोटल लगाएं बैलेंस शीट का अगर हम स्टिल टोटल लगाएं तो असेट साइड का टोटल भी टू लैख नाइनटी फोर फाइव लैक वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड फोर थाउजेंड टोटल हमारा दस लाख ही बैठ रहा है नॉट टू रेज कॉल्सिन एरियर वाली बैलेंस शीट पर इंपैक्ट डाला आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा इम्पैक्ट डालने के बाद का बैलेंस टैलीड हो रहा है मैंने आपसे बोला था थोड़ा काटपीट तो थो होगा क्योंकि हर एंट्री के बाद का मैं इम्पैक्ट आपको सिखा रहा हूं मैंने आपसे बोला दूसरा केस लेकर के चले बच्चों यहां पर बैंक का बैलेंस अगेन यहां डेबिट हो रहा है तो इस वाली बैलेंस शीट में भी वन लैख नाइनटी सिक्स थाउजेंड से बैंक का बैलेंस बढ़ेगा दैट मीनस यहां जो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा वो वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड से ही बढ़ेगा बैंक का बैलेंस जो बढ़ेगा वन लैख नाइनटी सिक्स थाउजेंड से बढ़ेगा ये बैलेंस शीट कौन सी है रेज अकाउंट ऑन द अदर हैंड यहां पर रेल्स से एरियर अकाउंट में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को कंप्लीटली क्लोज कर दिया गया दो लाख से तो दो लाख से जो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ओपन था उसे कंप्लीटली क्लोज कर दिया खत्म कर दिया इसकी जगह पर कॉल्सिन एरियर अकाउंट जो ऑलरेडी खुला हुआ है इसको चार हजार से और बढ़ा दिया गया है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट कॉल्स इन एरियर चार हजार का बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में बढ़ा दिया गया चार हजार का बैलेंस कॉल एरियर का आपकी बैलेंस शीट में बढ़ा दिया गया है। ये चार हजार का बैलेंस उन शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है जिन पर पैसा नहीं मिला तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को दो लाख से क्लोज किया मतलब एक डेबिट आइटम दो लाख का खत्म हो गया दूसरा डेबिट आइटम वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड का क्रिएट हो गया और एक डेबिट आइटम चार हजार का क्रिएट हो गया तो सीधे शब्दों में बात करें तो दो लाख का ही डेबिट क्रिएट हो रहा है दो लाख का ही डेबिट खत्म हो रहा है तो बैलेंस शीट की साइड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और इस इस एंट्री से लाइबिलिटी पर तो कोई इंपैक्ट पड़ा ही नहीं लेकिन पहले केस में अगर हम यहां देखें जहां पर हमने नॉट टू रेज अकाउंट का कंसेप्ट यहां पर फॉलो किया है तो यहां पर एक नया बैलेंस वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड का क्रिएट हो रहा है और वन लैख नाइनटी सिक्स थाउजेंड से खत्म हो रहा है तो उतना ही डेबिट खत्म हो रहा है उतना ही डेबिट क्रिएट हो रहा है तो इंपैक्ट तो इधर भी नहीं पड़ा असर्ट्स पर कोई लेकिन बात अलग रही कि यहां पर शेयर अलॉटमेंट में बैलेंस आ रहा है छह हजार शेयर फर्स्ट कॉल में बैलेंस आ रहा है चार हजार तो दस हजार का बैलेंस आ रहा है जो ये रिप्रेजेंट करता है अलॉटमेंट पर नहीं मिला छह हजार और शेयर फर्स्ट कॉल पर नहीं मिला चार हजार दूसरे केस में यहां पर ये रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि कॉल्सिन एरियर में दस हजार पेंडिंग है चार और छह मिलाकर के दस हजार पेंडिंग है मतलब ऐसे कुछ शेयर होल्डर है जिन्होंने शेयर्स का पैसा नहीं दिया और वो शेयर्स का पैसा दस हजार पेंडिंग है दोनों ही केसेस को आप लेकर के चलो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस भी सेम है बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का बैलेंस भी सेम है बैलेंस शीट में सिर्फ फर्क कितना पड़ा कि जहां जहां वो एक टेम्परे अकाउंट शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से आ रहा है आज वो अकाउंट कॉल्स इन एरियर के नाम से दस हजार का दिख रहा है अगर आप वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड फाइव लैख और टू लैख नाइनटी फोर थाउजेंड का टोटल लगाए टू लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड का टोटल लगाएं तो यहां पर जो आपका बैलेंस जो आ रहा है बैंक का बैलेंस जो आ रहा है और से आपका हो गया दस लाख नाइन लैख नाइनटी थाउजेंड बैंक का टोटल और से एरियर का टोटल दस हजार टोटल हो गया आपका सेट साइड में दस लाख और लाइबिलिटी साइड में भी दस लाख जब हमने कॉल्सिन एरियर अकाउंट रेज नहीं किया तो बैंक का टोटल हमारा नाइन लैख नाइनटी थाउजेंड और साथ ही साथ शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का टोटल मिलाकर के दस हजार दो अकाउंट यहां ओपन है एक तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और एक शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आप देख पा रहे हैं क्या आपको सारी एंट्री बनाने तक जो जो पैसा नहीं मिला उसको अकाउंट फॉर करने तक क्या आपको कॉल्सन एरियर अकाउंट को रेज करने और रेज ना करने में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला बच्चे कह रहे हैं कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला सर एक जैसा सारे को मिला अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो जल्दी से फटाफट से यस टाइप करो क्या आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल जो टेम्परे अकाउंट है इन्हीं टेम्प्रेरी अकाउंट की जगह पर आपने सर वो अकाउंट रेज कर दिया है इनको पूरा पूरा क्लोज कर दिया उधर कॉल्सन एरियर अकाउंट आपने रेज कर दिया है इन्हीं टेम्परे अकाउंट्स की जगह पर क्या आपको यह बात समझ में आ रही है अगर आपको यह बात समझ में आ रही है आपको यह बात समझ में आ रही है तो आई थिंक आप इस अकाउंटिंग को इस फंडामेंटल को एकदम से क्लियर कर चुके हैं दैट मीन्स अब हमने इन दोनों बैलेंस शीट को देख करके इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि कंपनी ने 10 लाख की शेयर कैपिटल इशू की नौ लाख नब्बे हजार रुपए मिल चुके हैं लेकिन कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने दस हजार का पेमेंट नहीं किया है अब दस हजार का पेमेंट नहीं किया है तो उनसे हम नाराज हो जाएंगे अब जब उनसे हम नाराज हो जाएंगे तो उनके जितने भी अकाउंट हमने ओपन कर रखे हैं उठा के सारे क्लोज कर देंगे उनके बिहार पर जितने भी अकाउंट ओपन कर रखे हैं उठा के सारे अकाउंट क्लोज कर देंगे उनका हिसाब किताब चुकता कर देंगे कि आपके लिए हमने जो जो अकाउंट ओपन करे थे सारे अकाउंट क्लोज और आपने जो पैसा दिया वो सारा का सारा पैसा जब्त सारा का सारा पैसा हमने फॉरफिट कर लिया और जो फॉरफिट का जो बैलेंस है अब वो हमारा प्रॉफिट हो गया अब आप हवा में घूमते रहो अब आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा आपके सारे के सारे बैलेंसेस हमने कर दिए क्लोज क्या बेटा मैं आपको फॉर फ्यूचर की एंट्री बनाना सिखाऊं बच्चे कहने जी बिल्कुल सिखाइए और मैं आपसे कहता हूं फॉर फ्यूचर की एंट्री बनाना बहुत आसान काम क्योंकि अगर आप लॉजिक समझ चुके हैं तो अब आपको फॉर फ्यूचर की एंट्री बनाते टाइम पर रटना नहीं पड़ेगा बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा हमने तो रटा था अब जब हमको शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री बनाना सिखाया गया था तो वहां पर भी दो केस थे एक रेज करना था और एक नॉट टू रेज टीचर सिखाया करते थे रेज अगर कॉल्स इन एरियर का केस है रेज कॉल्स इन एरियर और एक है नॉट 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 टू रेज कॉल्स इन एरियर टीचर आपको दो केस दिखाया करते थे रेज कॉल्स इन एरियर और नॉट टू रेज कॉल्सन एरियर दोनों केसेज में अलग अलग एंट्री बनेंगे मैं दो केस इसलिए लेकर के चल रहा हूं कि आप कॉल्सन एरियर के फंडामेंटल को भी समझो और नॉट टू रेज कॉल्सिन एरियर के फंडामेंटल को भी डिटेल में समझो रेज कॉल्सिन एरियर एंड नॉट टू रेज कॉल्सन एरियर दो अलग अलग फंडामेंटल हुआ करते थे दोनों फंडामेंटल की हम बात करने वाले हैं मैंने आपको एक जनरल सी बात बोली टीचर कुछ और हमको रटाया करते थे मैं आपसे एक जनरल सी बात बोल रहा हूं कि जितने भी अकाउंट उस पर्सन के हैं जिसने डिफॉल्ट किया उस पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाले जितने भी अकाउंट हैं उन सबको क्लोज करना है फॉर फीचर फॉर फीचर की एंट्री बन जाएगी जो बैलेंस रहेगा बैलेंस रहेगा वो बैलेंस हमारा सारा का सारा क्रेडिट बैलेंस हमारा प्रॉफिट हो जाएगा और प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे एक स्पेशल अकाउंट में जिसका नाम होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ये तो जनरल सी बात है ये तो एक रूल बेस्ड बात 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 हो गई अब रटने वाली बात तो रटने, रटने वाली वाली की मैं कर कर लेता लेता हूं हूं को डिस्कस ठीक है दैट मीन आपको टीचर जो बताया करते थे जनरली उनकी मजबूरी भी थी क्योंकि उस टाइम पर आप समझने लायक थे भी नहीं लेकिन अभी आप समझने लायक हो गए तो आप आप अच्छे से आप इसको देख सीखिए रटने वाली एंट्री थी कि शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो और उतनी अमाउंट से करो जितना आपने कॉल कर लिया है और उतने शेयर्स पर करो जितने शेयर्स को फॉरफिट करना है तो बच्चों को सिखाया जाता था कि आपको 2000 हजार शेयर फॉरफीट करने बच्चे कह रहे हैं हां जी सर 2000 हजार शेयर फॉरफिट करने और 2000 हजार शेयर पर कितना पैसा मांग चुके हो अब तक कि दस रुपए मांग चुके हैं पहले एप्लीकेशन भी मांग लिया अलॉटमेंट भी मांग लिया और फर्स्ट कॉल भी मांग लिया टीचर ने बोला दस रुपए आपने कॉल कर लिया तो दस का दस रुपए आप यहां पे डेबिट कर दो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड से डेबिट हो जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड से ये मैं पहले रटने वाली एंट्री बता रहा हूं फिर आपको इफेक्ट आपको समझाऊंगा आई थिंक आपने ऐसी ही एंट्री बनाई होंगी कि जितना पैसा कॉल कर लिया आप उतनी अमाउंट से आप क्या करो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लो बच्चे के हाँ जी सर कर दिया दूसरा रेज कॉल्स अकाउंट है तो यहां पर क्रेडिट कर दो कॉल्सिन एरियर के बैलेंस को कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एरियर में जितना भी अमाउंट पड़ा हुआ है अगर कॉल्सिन एरियर है तो हम क्रेडिट करेंगे एरियर तो कॉल्सिन एरियर में जितना भी बैलेंस पड़ा हुआ है तो हमारा रेज कॉल्सिन एरियर अकाउंट को देखें तो रेज कॉल्सिन एरियर में हमारा कॉल्सिन एरियर अकाउंट का जो बैलेंस है छे और चार दस हजार है छह दस हजार है हम यहां से भी देख सकते हैं बैलेंस शीट से हम एंट्री से भी देख सकते हैं एंट्रीज में देखें तो लास्ट एंट्री में कॉल्सन एरिया डेबिट है चार हजार से और थर्ड लास्ट एंट्री में कॉल्स एरियर डेबिट है छह हजार से तो कॉल्स एरियर का टोटल डेबिट बैलेंस हो गया दस हजार और जब कॉल्स एरियर का टोटल डेबिट बैलेंस दस हजार आ रहा है तो उसे खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे दस हजार से टीचर बोलते थे बेटा जो बैलेंस आए जो बैलेंस बचे उसे ट्रांसफर कर देना फॉर फ्यूचर अकाउंट में टू फॉर फ्यूचर टू फॉर फीचर अकाउंट और फॉर फीचर अकाउंट में बच्चों ट्रांसफर करने के लिए बोला जाता था बैलेंस अमाउंट ये बैलेंस फिगर आप फॉर फीचर में ट्रांसफर कर दो ऐसे करके नरेशन लिख दो बींग बींग रोहित फॉर फिटेड नंबर भी लिख सकते हो बीइंग टू थाउजेंड शेयर्स ऑफ रोहित फॉर फिटेड ऐसे करके हमने ये एंट्री बना दी ये तो रटने वाली एंट्री थी इसी एंट्री को मैं लॉजिकल भी आपको समझाऊंगा अब दूसरे केस में जहां हमने कॉलियर अकाउंट रेज नहीं किया वहां भी टीचर्स का फंडामेंटल यही रहता था कि बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो जितना भी कॉल्ड अप हो चुका है मांगा जा चुका है जितने शेयर्स पर जितने शेयर्स को आपने फॉरफिट करना है तो 2000 हजार शेयर को फॉरफिट करना है दस रुपए मांगे जा चुके हैं तो यहां पर 20,000 20,000 से शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे यहां पर टीचर बोलते थे क्रेडिट करना है अनपेड कॉल्स को जो जो कॉल्स का बैलेंस अनपेड जितने अमाउंट से आ रहा है उन्हें यहां पर क्रेडिट कर दो तो ये हमको बैलेंस शीट से भी पता लग सकता है नॉट टू रेज कॉल्स इन एरियर अकाउंट में एक अलॉटमेंट हमारा पेंडिंग चल रहा है छह हजार कॉल पेंडिंग चल रहा है छह हजार से इन्हें क्रेडिट करके खत्म करेंगे और इस एंट्री में भी देखें हमने यहां पर बैंक को डेबिट किया है एक लाख छानवे हजार से शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट किया वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड से और ये शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट था टू लैख से और क्रेडिट किया था वन लाख सिक्स थाउजेंड से और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया टू लैख नाइनटी फोर थाउजेंड से तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का अभी भी डेबिट बैलेंस बचा हुआ है कितना बचा हुआ है छह हजार तो बैलेंस शीट से देखो या डायरेक्ट एंट्री से टैली कर लो बात वही है कि शेयर अलॉटमेंट का बैलेंस छह हजार पेंडिंग चल रहा है और शेयर फर्स्ट कॉल का बैलेंस छह हजार चार हजार जो पेंडिंग है वो डेबिट बैलेंस है दोनों के दोनों तो शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करके खत्म करेंगे छह हजार से और शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करके खत्म करेंगे चार हजार से तो ये जो एंट्री हमने बनाई शेयर अलॉटमेंट अब यहां कॉल से नरियर नहीं आएगा शेयर अलॉटमेंट का बैलेंस छह हजार से क्रेडिट करके खत्म किया जाएगा और टू शेयर फर्स्ट कॉल का बैलेंस जो है चार हजार से क्रेडिट करके खत्म किया जाएगा और अगेन यहां पर बैलेंस फिगर को बोला जाता था टू शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और बच्चों वो भी जो ट्रांसफर किया जाएगा वो भी कितने अमाउंट से ट्रांसफर किया जाएगा वो जो ट्रांसफर किया जाएगा वो कितने अमाउंट से ट्रांसफर कर दिया जाएगा बैलेंस अमाउंट से और ये फॉर फ्यूचर का बैलेंस बैलेंसिंग फिगर से जाएगा और ये आपका प्रॉफिट हो गया यहां पर भी लिखा जाएगा बच्चों बीइंग शेयर्स बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड और ये शेयर्स जो फॉरफिट हुए हैं वो कितने हजार से फॉरफिट हो गए हैं कितने शेयर हो गए दैट मींस टू थाउजेंड शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया है अब ये एंट्री मैंने आपको दोनों बन, बना के बताए और इसका लॉजिक मैंने क्या बोला था उस पर्सन के लिए जो जो अकाउंट ओपन कर रखे उन सारे अकाउंट को क्लोज कर दो और जितना अमाउंट उससे मिल चुका है अब तक जितना अमाउंट उससे मिल चुका है अब तक क्योंकि सारे अकाउंट क्लोज कर दिए अब उस पर्सन वो पर्सन हमारा शेयर होल्डर नहीं रहा तो जितना अमाउंट उससे मिला था वो सारा आपका प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है उसे एक स्पेशल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे फॉर फ्यूचर अकाउंट में और जितने अकाउंट उसके नाम से ओपन है वो क्लोज कर दो सिंपल सी बात है दोनों फंडामेंटल्स में सुनना उस पर्टिकुलर पर्सन को 2000 हजार शेयर दिए दस रुपए से उसका शेयर कैपिटल क्रेडिट किया गया होगा शेयर कैपिटल को उठा करके हमने यहां डेबिट कर दिया कितने से डेबिट कर दिया बीस से दस रुपए के हिसाब से साथ ही साथ में उस पर्टिकुलर पर्सन ने कितना पेमेंट किया है अभी हमको उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पेमेंट किया है दो हजार शेयर पर पांच रुपए के हिसाब से दो हजार शेयर पर पांच रुपए के हिसाब से हमने शेयर से भी फॉरफिट कर लिया उसका पैसा भी वापस नहीं किया तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया सारे प्रॉफिट्स के बैलेंस क्रेडिट होते हैं तो इसे बैलेंसिंग फिगर में लिखने की जरूरत नहीं है फॉर फ्यूचर का बैलेंस डायरेक्टली आप निकालना चाहते हो और एमसीक्यू क्वेश्चंस में कई बार करना पड़ेगा आपको तो आप सीधा जज करो कि कितना पेमेंट कर दिया है आगे जाकर के जब प्रीमियम का केस आएगा तो मैं कुछ स्पेशल डिस्कशन भी करूंगा इस पर लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा सीधा जज करो कि उसने कितना पेमेंट कर दिया है और जितना पेमेंट किया है वही आपका प्रॉफिट हो गया तो 2000 शेयर पर पांच रुपए से पेमेंट किया सीधा दस हजार और दस हजार ही हम इधर क्रेडिट कर रहे हैं कॉल्सिन एरियर अकाउंट जब हमने ओपन किया था तो कॉल्सिन एरियर अकाउंट में कुछ बैलेंस मेंटेन था ये उसी पर्सन के लिए बैलेंस मेंटेन था जिसने डिफॉल्ट किया और वो डेबिट था मैंने क्या बोला उसके लिए जितने भी अकाउंट हैं वो सारे अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे तो ये कॉल्सिन एरियर अकाउंट भी क्लोज करना पड़ेगा ये कॉल्सिन एरियर अकाउंट में दस का बैलेंस है यह भी क्लोज करना पड़ेगा ये क्लोज कर दिया बेटा ये क्लोज कर दिया क्रेडिट करके खत्म कर दिया दस से कोई पैसा वापस नहीं किया बैंक का बैलेंस आपका कम नहीं हुआ कोई पैसा वापस नहीं करते सिर्फ क्या बोला फॉर फ्यूचर फॉर फ्यूचर पर आपको प्रॉफिट हो गया कितने से प्रॉफिट हो गया दस हजार से प्रॉफिट हो गया बीस हजार से कैपिटल खत्म दस हजार से प्रॉफिट हो गया कॉल इन एरियर का बैलेंस खत्म करके यहां पर कहानी खत्म कर दी सिंपल सी बात है सेम या शेयर कैपिटल का बैलेंस उसका क्रेडिट किया था उसे डेबिट कर दिया शेयर अलॉटमेंट के बैलेंस की बात करें शेयर फर्स्ट कॉल के बैलेंस की बात करें दोनों ही बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहे थे उस पर्सन को जिसने डिफॉल्ट किया है दोनों के दोनों बैलेंस को डेबिट से क्रेडिट करके खत्म कर दिया दस हजार रुपए नहीं करते क्योंकि अल्टीमेटली उसे वापस करते तो टू बैंक अकाउंट लिखना पड़ जाता लेकिन फॉरफ्यूचर के केस में हम पैसा वापस नहीं करते तो सिर्फ जो उसका बैंक का बैलेंस है उसको रोक लेते और उसे अपना प्रॉफिट बोलना चालू कर देते हैं तो जहां बैंक को क्रेडिट करना चाहिए उस जगह पर हमने शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट कर दिया और बोला ये तो हमारा प्रॉफिट नहीं करेंगे क्योंकि तुमने default क्यों किया किसी ने बोला थोड़ी ना तुमसे करने के लिए तो company act की भी भी सारी requirement पूरा हो गई और in that particular case हमने उसके पैसे को भी forfeit कर लिया, entry भी पास कर दी बच्चे कहने बस एक काम रह गया है सर इस एंट्री के इंपैक्ट को बैलेंस शीट पर डाल के बता दो मैंने एरियर जो क्रेडिट हुआ है कॉल्सिन एरियर जो क्रेडिट हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके असर्ट साइड के डेबिट बैलेंस को खत्म कर देगा बैलेंस शीट में चलते हैं जरा कॉल्सिन एरियर अकाउंट रेज कॉल्सिन एरियर अकाउंट तो जो ये कॉल्सिन एरियर का दस हजार का बैलेंस था अब बेटा ये खत्म हो जाएगा क्योंकि इसे जो डेबिट था इसे क्रेडिट करके खत्म कर दिया तो चार और छह दस हजार का बैलेंस ही खत्म हो गया बैंक का बैलेंस नहीं काटा कॉल्सिन एरियर का बैलेंस ही काटा सिर्फ मैंने क्लियर हो गया दैट मीन असर्ट साइड में बैंक का बैलेंस नाइन लैख नाइनटी थाउजेंड ही रहेगा कॉल्सिन एरियर खत्म हो गया बच्चे कहने ठीक है सर समझ में आ गया नॉट टू रेज रेज कॉल्सन एरियर अकाउंट में पहले कॉल्सन एरियर का बैलेंस खत्म किया फॉर फ्यूचर क्योंकि प्रॉफिट है और सारे प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं कंसर्न को रिप्रेजेंट करते हैं और वो प्रॉफिट्स होते हैं वो कंसर्न के लिए लाइबिलिटी भी होती है क्योंकि वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं उन कही प्रॉफिट्स का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो प्रॉफिट का बैलेंस है वो क्रेडिट होने की वजह से लाइबिलिटी साइड में जाएगा और उस फॉरफ्यूचर के बैलेंस को हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे दस हजार का दूसरा एक लाइबिलिटी का अकाउंट है जो क्रेडिट रहता है शेयर कैपिटल अकाउंट उसे डेबिट किया गया से यानी से कैपिटल कम होगी और बीस हजार से दूसरी लाइबिलिटी दस हजार से दूसरी लाइबिलिटी बढ़ेगी जिसका नाम होगा फॉरफ्यूचर अभी शेयर री इश्यू नहीं किए हैं तो शेयर कैपिटल का बैलेंस जो है वो यहां पर जो दस लाख से आ रहा था अब वो दस लाख में से बीस हजार माइनस हो जाएंगे और ये जो बैलेंस है वो कितने का आएगा इन लैख एट्टी थाउजेंड नाइन लैख एट्टी थाउजेंड प्लस यहां पर शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस आ जाएगा दस हजार से तो टोटल अभी नाइन लैख नाइन्टी थाउजेंड आपका लाइबिलिटी का बैलेंस आ रहा है नाइन लैख नाइन्टी थाउजेंड लाइबिलिटी का बैलेंस आ रहा है और असेट साइड में भी देखो हमने क्या बोला नाइन लैख नाइन्टी थाउजेंड बैंक का बैलेंस आ रहा है क्या शेयर को फॉरफिट होने के बाद भी क्या आपकी बैलेंस शीट टैली है क्या शेयर को फॉरफिट होने के बावजूद भी कॉल्स नरियर के केस में बैलेंस शीट टैली है बच्चे कह रहे हैं हां जी सर क्या आप सारे बच्चों को इसका इफेक्ट समझ में आ गया जल्दी से मेरे को इफेक्ट समझ में आ गया तो फटाफट से यस टाइप कर दीजिए अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो मैं उसे रिपीट कर दूंगा क्योंकि यह समझ नहीं आया तो आगे आपको दिक्कत हो जाएगी क्या सारे बच्चों को बैलेंस शीट पर इसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है क्या सारे बच्चों को इस पर इसका बैलेंस शीट पर इंपैक्ट दिखाई दे रहा है क्या आपको एकदम से इफेक्ट टैली हो रहा है इन लेक नाइन्टी थाउजेंड जो लाइबिलिटी साइड और असेट साइड में जो बैलेंस आ रहा है क्या ये एकदम से आपको टैली कर रहे हैं बच्चे कह रहे हैं हां जी सर ये इसमें आंसर आ रहे हैं इसका मतलब आपके डाउट नहीं है दूसरा नॉट टू रेज कॉल्सन एरियर के बैलेंस को डालेंगे तो शेयर कैपिटल का बैलेंस यहां भी कम होगा शेयर अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल खत्म हो जाएंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट किया गया है तो ये लाइबिलिटी साइड में क्रिएट हो जाएगा ये लाइबिलिटी साइड में क्रिएट हो जाएगा तो जल्दी चलते हैं ियर अकाउंट में यह शेयर अलॉटमेंट शेयर फर्स्ट कॉल खत्म तो नाइन लैख नाइन्टी थाउजेंड सिर्फ बैंक का बैलेंस बचेगा इधर शेयर कैपिटल का बैलेंस जो दस लाख ,00 आ रहा था उसमें से बीस हजार कम हो जाएंगे लेस ट्वेंटी थाउजेंड यहां पर नाइन लैख एट्टी थाउजेंड और यहां एक शेयर फॉर फ्यूचर का नया बैलेंस क्योंकि लाइबिलिटी साइज है प्रॉफिट का बैलेंस है नया बैलेंस दस हजार से आ जाएगा तो इधर लाइबिलिटी का अगेन टोटल नाइन लैख नाइन्टी थाउजेंड रहेगा दोनों साइड में टोटल जो नाइन लैख नाइन्टी थाउजेंड ही आ रहा है क्या आप समझ पा रहे हो क्या आप समझ पा रहे हो कहानी को क्या कोई ये मुश्किल काम है क्या ये मुश्किल काम है क्या आपको नॉट टू रेज कॉल्स इन एरियर अकाउंट के दौरान नॉट टू रेज कॉल्स इन एरियर अकाउंट के दौरान क्या आपको बैलेंस शीट के फंडामेंटल आपको समझ में आ गए बताइए बच्चों यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या क्या सारे बच्चे क्या सारे के सारे बच्चे ये जो सॉल्यूशन किए गए हैं इन सॉल्यूशन से सहमत हैं हमने जो केस कवर किया था हमने जो एग्जाम्पल लिया था इसमें किसी भी टाइप का आपका कोई डाउट हो किसी भी टाइप का आपका कोई डाउट हो वो आप डाउट टाइप कर सकते हैं अगर किसी का को, किसी को कोई बहुत बड़ा डाउट है तो मुझे कॉल पर भी इस टाइम पर बोल सकता है और मुझे लगता है आप में आप में से किसी को कोई डाउट नहीं है बस आपको एक डाउट है कि सर एक ब्रेक दे दीजिए अब हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं किस किस बच्चे ने ब्रेकफास्ट नहीं किया जरा हैंड रेस करें फटाफट से बताइए किस किस बच्चे ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्लास के दौरान कुछ तो ऐसे होंगे चलो ठीक है सर मत नहीं दे रहे हो ब्रेक तो मत दो हम क्लास के दौरान ही कर लेंगे ये बताओ किस किस बच्चे ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्लास के दौरान जल्दी से बताइए मुझे हैंड रेज करके अरे वो आता है ना एक हैंड रेज वाला इसमाइल ऐसे करके उसे कर दीजिए हाँ जी बच्चों इंतजार है ओहो सारे के सारे बच्चे सारे के सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जात रहे बच्चे कुछ बच्चों के तो आंसर आ ही नहीं रहे इसका मतलब वो हैंड वो कहीं ना कहीं ब्रेकफास्ट कर चुके हैं चलो बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया अभी आपको आपने बहुत अच्छी खासी मेहनत कर ली अब आपको ब्रेकफास्ट करने का टाइम है आप फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट करके आइए मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूं मैंने आपसे पहले बोला था मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया अब आपका ब्रेक रहेगा टेन थर्टी से हम दूसरी क्लास को रिज्यूम करेंगे टेन थर्टी से हम कोई बात नहीं कॉफी तो चली जाती है बेटा ब्रेकफास्ट की हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा ठीक ठाक सा कर लिया करो कॉफी पीने से काम थोड़ी ना चलेगा चलो बेटा टेन थर्टी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में अभी के लिए बाय बाय